जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डोमिनिक और उसकी गर्लफ्रेंड लेटी। अब ये दोनों वहाँ से निकल रहे होते तभी वहाँ पर इसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि तुम्हारा एक भाई है जिसे यहाँ का गुंडा छेड़ रहा है और वो उसकी गाड़ी उठा के लेके जाने वाला है। वहीं पे डोमिनिक अपने भाई को बचाने के लिए उस पूरे क्यूबा के बड़े गुंडे जिसका नाम होता है रेल्डो उससे पंगा ले लेता है। और रेल्डो कहता है कि तेरे भाई ने मुझे जबान दी थी कि अगर वो रेस में हारेगा तो उसकी गाड़ी मेरी हो जाएगी, और अब वो ये रेस हार चुका है। तो डोमिनिक उसे कहता है कि इसमें लड़ने का क्या है, अगर तुझे लड़ना है तो तुम मुझसे लड़ के दिखा। और फिर डोमिनिक अपनी खटारा गाड़ी के साथ में रेल्डो के साथ रेस लगाने को रेडी हो जाता है, जिसके पास में साइलेंट की सबसे तेज गाड़ी थी। रेस को जीतने के लिए डोमिनिक अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है और ये रेस बहुत ही इंटेंस होती है। लेकिन तभी डोमिनिक की कार में आग लग जाती है, लेकिन डोमिनिक जो कि अच्छा ड्राइवर था तो उसने इस रेस को उस खटारे गाड़ी के साथ ही जीत लिया। और जैसे कि जबान दी थी रेल्डो ने कि रेस जो जीतेगा गाड़ी उसकी होगी, तो वहाँ पर अब रेल्डो अपनी गाड़ी की चाबी डोमिनिक को देने लगता है और साथ ही में कहते हैं कि तुमने गाड़ी भी जीत ली और इसके साथ मेरा दिल भी जीत लिया। लेकिन तभी डोमिनिक कहते हैं कि गाड़ी तुम रखो, बस तुम्हारी ये दिलेरी मेरे काम की है। और वो वहाँ से अपनी गाड़ी अम्पाला अपने छोटे भाई को गिफ्ट करके चला जाता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि लैटी और डोमिनिक अपने हनीमून की तैयारी कर रहे थे। वहीं अगले दिन जब वो मार्केट से सब्जी लेकर निकल रहा होता है तब उसे दिखता है कि एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई है। और जब वो उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हैकर होती है जिसका नाम होता है साइफर। और तब साइफर उसे कहते कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर सकती हूँ। क्योंकि साइफर को पता था कि डोमिनिक की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था एलिना, उससे डोमिनिक का एक बच्चा हुआ था। तो साइफर उसे कहते कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं एलिना और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगी। वहीं पर अब हम देखते हैं इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर को जिसका नाम होता है हॉब्स। वो अपनी बेटी के फुटबॉल मैच के लिए अपनी बेटी को जोश दिला रहा था और वहीं पर एक गवर्नमेंट का आदमी आता है और उससे बताते कि कुछ लोगों की ईएमपी डिवाइस पे नज़र है और तुम्हें उसको बचाना है। ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स की डिवाइस, जिससे कि एक ऐसी वेव निकलती है कि उसका एक वेव 4 से 6 मील तक के एरिया को सुन कर सकती है, यानी कि नो बिजली नो इलेक्ट्रिक डिवाइस। और तब जाके हॉब्स अपने टीम को कॉल लगा देता है और कहते हैं कि हमें ईएमपी को चोरी होने से रोकना होगा। और अब सारी की सारी टीम ईएमपी को अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे डोमिनिक उनके साथ गद्दारी कर देता है क्योंकि अब डोमिनिक हाथ मिला चुका था साइफर के साथ और इसी वजह से अब जेल हो जाती है हॉब्स को। और हॉब्स को बचाने के लिए वहाँ पे नोबडी एक चाल चलता है, जेल में काफ़ी सारे गुंडों के दरवाजे खोल देता है जिसकी वजह से हॉब्स निकल जाता है और वहीं पे शॉ भी निकल जाता है, जिसके बाद दोनों की एक फाइट होती है और फिर वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। जिसके बाद हम डोमिनिक को देखते हैं और यहाँ पर हमें डोमिनिक की एक्स बीवी भी दिखाई जाती है जिसका नाम था एलिना, और उसके बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम उन्होंने रखा था मार्कस। जिसके बाद हम साइफर को देखते हैं जो कि डोमिनिक को कहती है कि अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे डिफेंस मिनिस्टर से न्यूक्लियर कोड्स ला के दो ताकि मैं मिसाइल छोड़ सकूँ। मिसाइल्स इसलिए छोड़नी थी क्योंकि वो एक वन ऑफ द बेस्ट हैकर है और वो बहुत सारी चोरियां करना चाहती थी और उसको पुलिस ना रोक सके, जिसके लिए उसको खुद को सुपर स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहती थी ताकि उसके रास्ते में कोई ना आए। और वहाँ पर मिस्टर नोबडी साइफर को रोकने के लिए एक टीम बना रहा था जिसके लिए उसे डोमिनिक की टीम चाहिए थी, लेकिन वो जानता था कि उनके खिलाफ अब डोमिनिक खड़ा है, जिसके लिए उन्हें टीम में एक ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जो कि बिल्कुल डोमिनिक की तरह सोचता हो, जिसके बाद वो इस टीम में शॉ को लेने का डिसाइड करते हैं। और जैसे ही हॉब शॉ को देखता है जिसके बाद दोनों के दिमाग का भोपला हो जाता है, जिसके बाद दोनों कहते हैं कि हम दोनों काम नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए दोनों को काम करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इधर हम देखते हैं डोमिनिक को, वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी बच्चे पे कोई आ जाए, इसके लिए वो छुपके से मिलने जाता है शॉ की मम्मी से क्योंकि वो जानता था कि शॉ की मम्मी एक बहुत बड़ी गुंडी है और वो इसके इस काम में हेल्प कर सकती है। जिसके बाद हम डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं जो कि अपने बुलेट प्रूफ कार में अपने हेडक्वार्टर्स में जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर साइफर अपनी हैकिंग स्किल से वहाँ पर रोड पर मौजूद 2 किलोमीटर की दूर में जितनी भी टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है सबको हैक कर लेती है और उन सभी को हैक करके वो धड़ाधड़ मिनिस्टर के ऊपर ठोकने लगती है गाड़ी। उसके बाद में आता है डोमिनिक अपने हाथ में एक चेन सॉ लेके उसे जान से मारने के लिए, वो उसको एक मौका भी देता है और वहीं मौका पाके डिफेंस मिनिस्टर अपने सारे न्यूक्लियर कोड्स डोमिनिक के हाथ में दे देता है और यहाँ से डोमिनिक लेके निकलता है सारे न्यूक्लियर कोड्स को, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए आ जाती है उसकी खुद की टीम। लेकिन डोमिनिक तो डोमिनिक है, वो सभी को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाता है। लेकिन अब इधर हम एक सीन देखते हैं जिसमें उन सभी ने अपनी अपनी गाड़ी को डोमिनिक की गाड़ी पे अपना फंदा मार दिया था, जिसकी वजह से अब वो इधर ना जा पा रहा था ना उधर जा पा रहा था। ये सीन बहुत ही सेक्सी डायरेक्ट किया गया था और वल्ला सीन है, माँ कसम फाड़ू सीन था ये, जहाँ पे उसकी गाड़ी को खींचने के लिए बड़ी मेहनत करते सब, लेकिन डोमिनिक की गाड़ी में डोमिनिक जैसा दम था तो वो कैसे करके खुद को वहाँ से निकाल लेता है
और फिर पहुंच जाता है साइफर के लोकेशन पे। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि साइफर ने उसको कहा था कि तुम्हें उसकी नजर से गायब नहीं होना, लेकिन उसे पता चल जाता है कि डोमिनिक चुपके से साइफर की नजर से बच के वो जाके मिलता है शॉ की मम्मी से, और ये बात साइफर को पसंद नहीं आई। और अब दुख की बात ये होती है कि साइफर ने डोमिनिक की पत्नी को टपका देती है, जिसको देख कर डोमिनिक बहुत इमोशनल हो जाता है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि उसका बच्चा अभी भी उसके पास था। वहीं दूसरी ओर अब डोमिनिक की टीम अब आ जाती है हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे नोबडी उन पे बहुत गुस्सा होता है और उनको बहुत सुनाता है, जिसके बाद उन्हें खोजबीन करते करते उन्हें पता चलता है कि अगला इंसिडेंट अब रशिया के वाल्डविन में होने वाला है। जैसा कि साइफर का प्लान है, एक तरफ तो डोमिनिक अपनी कार को मस्त रिपेयर करके आ जाता है रशिया के वाल्डविन में, वहीं पे उसका पीछा करते करते आ जाती है उसकी टीम, जहां पर हम देखते हैं कि डोमिनिक के पीछे लगा था ईएमपी डिवाइस, जिसे वो यूज करके 4-5 miles तक एरिया को ठप कर सकता था, जिसके बाद वो उसका यूज करता है, जिससे कि वहाँ के जितने भी रशियन मशीन होती है उन सभी का चूतिया कट जाता है और सब बंद पड़ जाते हैं। और वहां से वो अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सबमरीन के नीचे आ जाता है, ताकि वो एक ईएमपी ब्लास्ट करेगा जिससे कि सबमरीन रिबूट होगा, और इधर साइफर को टाइम मिलेगा रशियन सर्वर को हैक करने के लिए और अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन मजा अब इधर ये आता है कि डोमिनिक की टीम साइफर के प्लान पर रशिया का ठंडा पानी डालने के लिए आ जाती है, जिसके बाद बहुत सारी फाइट्स, कार चेज, इंटेंस सीन्स दिखाई जाती है, और सब एक आदमी के पीछे पड़ते हैं जो कि डोमिनिक, और इसने अपने दिमाग से सबका छक्का छुड़ा दिया था। जहां पर ट्विस्ट अब ये आता है कि डोमिनिक के टक्कर का दिमाग का एक और आदमी था, जिसका नाम था डेकर शॉ। वो आ जाता है साइफर के प्लेन में अपने भाई के साथ, जिसका नाम था ओविन शॉ, जहां पर मार्कस यानी कि डोमिनिक का बच्चा मौजूद था, जिसके बाद शॉ उस बच्चे को बचा के पूरे प्लेन के आदमियों को अच्छे से पेल पाल करके वहां से फुर हो जाता है, और इधर से साइफर भी भाग जाती है। और अब जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसके बच्चे को बचा लिया गया, तो वो अब अपने टीम के साथ वापस रीयूनाइट हो जाता है, जिसके बाद अब ये समझ आता है कि साइफर के टीम के अब अच्छे से लगने वाली है, और अब दो दो टकले पेलने के फिराक में है साइफर की आर्मी को। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सबमरीन डोमिनिक की टीम के पीछे पड़ा था, और वो सबमरीन से उनके ऊपर एक हीट रेजर मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन डोमिनिक भैया अपने बिना बाल वाले टकले के अंदर जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करते हैं और उनकी मिसाइल को उनके ही पिछवाड़े में डाल देते हैं, जिससे कि होता है घनघोर ब्लास्ट, और दुनिया इधर बच जाती है इतने बड़े मुसीबत से। और इधर अब ये टीम जो कि अलग हो गई थी इस कमीनी साइफर की वजह से, अब ये एक हो जाती है, जिसके बाद मूवी का दी एंड हो जाता है, जिसके बाद हम हैप्पी मोमेंट्स में देखते हैं कि सब अपने घर आ चुके थे और अब डोमिनिक का बच्चा भी उसके पास आ जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डोमिनिक और उसकी गर्लफ्रेंड लेटी। अब ये दोनों वहां से निकल रहे होते, तभी वहां पर इसके पास एक लड़की आती है और कहती कि तुम्हारा एक भाई है जिसे यहाँ का गुंडा छेड़ रहा है और वो उसकी गाड़ी उठा के लेके जाने वाला है। वहीं पे डोमिनिक अपने भाई को बचाने के लिए उस पूरे क्यूबा के बड़े गुंडे, जिसका नाम होता है रेल्डो, उससे पंगा ले लेता है। और रेल्डो कहता है कि तेरे भाई ने मुझे जबान दी थी कि अगर वो रेस में हारेगा तो उसकी गाड़ी मेरी हो जाएगी, और अब वो ये रेस हार चुका है। तो डोमिनिक उसे कहता है कि इसमें लड़ने का क्या है, अगर तुझे लड़ना है तो तुम मुझसे लड़के दिखा। और फिर डोमिनिक अपनी खटारा गाड़ी के साथ में रेल्डो के साथ रेस लगाने को रेडी हो जाता है, जिसके पास मिसाइलिन की सबसे तेज गाड़ी थी। रेस को जीतने के लिए डोमिनिक अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है, और ये रेस बहुत ही इंटेंस होती है। लेकिन तभी डोमिनिक की कार में आग लग जाती है, लेकिन डोमिनिक जो कि अच्छा ड्राइवर था तो उसने इस रेस को उस खटारे गाड़ी के साथ ही जीत लिया। और जैसे कि जबान दी थी रेल्डो ने कि रेस जो जीतेगा गाड़ी उसकी होगी, तो वहां पर अब रेल्डो अपनी गाड़ी की चाबी डोमिनिक को देने लगता है और साथ ही में कहते हैं कि तुमने गाड़ी भी जीत ली और इसके साथ मेरा दिल भी जीत लिया। लेकिन तभी डोमिनिक कहते हैं कि गाड़ी तुम रखो, बस तुम्हारी ये दिलेरी मेरे काम की है, और वो वहां से अपनी गाड़ी अम्पाला अपने छोटे भाई को गिफ्ट करके चला जाता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि लैटी और डोमिनिक अपनी हनीमून की तैयारी कर रहे थे। वहीं अगले दिन जब वो मार्केट से सब्जी लेकर निकल रहा होता है, तब उसे दिखता है कि एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई है, और जब वो उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी हैकर होती है, जिसका नाम होता है साइफर। और तब साइफर उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर सकती हूँ। क्योंकि साइफर को पता था कि डोमिनिक की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम था एलिना, उससे डोमिनिक का एक बच्चा हुआ था। तो साइफर उसे कहते कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं एलिना और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगी। वहीं पर अब हम देखते हैं इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है हॉब्स। वो अपनी बेटी के फुटबॉल मैच के लिए अपने बेटे को जोश दिला रहा था, और वहीं पर एक गवर्नमेंट का आदमी आता है और उससे बताते कि कुछ लोगों की ईएमपी डिवाइस पे नजर है और तुम्हें उसको बचाना है। ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स की डिवाइस, जिससे कि एक ऐसी वेव निकलती है कि उसका एक वेव 4 से 6 मील तक के एरिया को सुन कर सकती है, यानी कि नो बिजली नो इलेक्ट्रिक डिवाइस।
और तब जाके हॉब्स अपने टीम को कॉल लगा देता है और कहते हैं कि हमें ईएमपी को चोरी होने से रोकना होगा। और अब सारी की सारी टीम ईएमपी को अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे डोमिनिक उनके साथ गद्दारी कर देता है क्योंकि अब डोमिनिक हाथ मिला चुका था साइफर के साथ, और इसी वजह से अब जेल हो जाती है हॉब्स को। और हॉब्स को बचाने के लिए वहाँ पे नोबडी एक चाल चलता है, जेल में काफी सारे गुंडों के दरवाजे खोल देता है जिसकी वजह से हॉब्स निकल जाता है और वहीं पे शॉ भी निकल जाता है, जिसके बाद दोनों की एक फाइट होती है और फिर वहां से वो दोनों भाग जाते हैं। जिसके बाद हम डोमिनिक को देखते हैं और यहाँ पर हमें डोमिनिक की एक्स बीवी भी दिखाई जाती है जिसका नाम था एलिना, और उसके बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम उन्होंने रखा था मार्कस। जिसके बाद हम साइफर को देखते हैं जो कि डोमिनिक को कहती है कि अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे डिफेंस मिनिस्टर से न्यूक्लियर कोड्स ला के दो ताकि मैं मिसाइल छोड़ सकूँ। मिसाइल्स इसलिए छोड़नी थी क्योंकि वो एक वन ऑफ द बेस्ट हैकर है और वो बहुत सारी चोरियां करना चाहती थी और उसको पुलिस ना रोक सके, जिसके लिए उसको खुद को सुपर स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहती थी ताकि उसके रास्ते में कोई ना आए। और वहाँ पर मिस्टर नोबडी साइफर को रोकने के लिए टीम बना रहा था जिसके लिए उसे डोमिनिक की टीम चाहिए थी, लेकिन वो जानता था कि उनके खिलाफ अब डोमिनिक खड़ा है, जिसके लिए उन्हें टीम में एक ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जो कि बिल्कुल डोमिनिक की तरह सोचता हो। जिसके बाद वो इस टीम में शॉ को लेने का डिसाइड करते हैं, और जैसे ही हॉब शॉ को देखता है जिसके बाद दोनों के दिमाग का भोपला हो जाता है, जिसके बाद दोनों कहते हैं कि हम दोनों काम नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए दोनों को काम करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इधर हम देखते हैं डोमिनिक को, वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी बच्चे पे कोई आ जाए, इसके लिए वो छुपके से मिलने जाता है शॉ की मम्मी से क्योंकि वो जानता था कि शॉ की मम्मी एक बहुत बड़ी गुंडी है और वो इसके इस काम में हेल्प कर सकती है। जिसके बाद हम डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं जो कि अपने बुलेट प्रूफ कार में अपने हेडक्वार्टर्स में जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर साइफर अपनी हैकिंग स्किल से वहां पर रोड पर मौजूद 2 किलोमीटर की दूर में जितनी भी टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है सबको हैक कर लेती है, और उन सभी को हैक करके वो धड़ाधड़ मिनिस्टर के ऊपर ठोकने लगती है गाड़ी। उसके बाद में आता है डोमिनिक अपने हाथ में एक चेन सॉ लेके उसे जान से मारने के लिए, वो उसको एक मौका भी देता है और वही मौका पाके डिफेंस मिनिस्टर अपने सारे न्यूक्लियर कोर्स डोमिनिक के हाथ में दे देता है, और यहाँ से डोमिनिक लेके निकलता है सारे न्यूक्लियर कोर्स को, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए आ जाती है उसकी खुद की टीम। लेकिन डोमिनिक तो डोमिनिक है, वो सभी को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाता है, लेकिन अब इधर हम एक सीन देखते हैं जिसमें सभी ने अपनी अपनी गाड़ी को डोमिनिक की गाड़ी पे अपना फंदा मार दिया था, जिसकी वजह से अब वो इधर ना जा पा रहा था ना उधर जा पा रहा था। ये सीन बहुत ही सेक्सी डायरेक्ट किया गया था और वल्ला सीच है, माँ कसम फाड़ू सीन था ये, जहाँ पे उसकी गाड़ी को खींचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं सब, लेकिन डोमिनिक की गाड़ी में डोमिनिक जैसा दम था तो वो कैसे करके खुद को वहां से निकाल लेता है और फिर पहुंच जाता है साइफर के लोकेशन पे। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि साइफर ने उसको कहा था कि तुम्हें उसकी नजर से गायब नहीं होना, लेकिन उसे पता चल जाता है कि डोमिनिक चुपके से साइफर की नजर से बच के वो जाके मिलता है शॉ की मम्मी से, और ये बात साइफर को पसंद नहीं आई। और अब दुख की बात ये होती है कि साइफर ने डोमिनिक की पत्नी को टपका देती है, जिसको देख कर डोमिनिक बहुत इमोशनल हो जाता है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था लेकिन वो मजबूर था क्योंकि उसका बच्चा अभी भी उसके पास था। वहीं दूसरी ओर अब डोमिनिक की टीम अब आ जाती है हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे नोबडी उन पे बहुत गुस्सा होता है और उनको बहुत सुनाता है, जिसके बाद उन्हें खोजबीन करते करते उन्हें पता चलता है कि अगला इंसिडेंट अब रशिया के वाल्डविन में होने वाला है। जैसा कि साइफर का प्लान है, एक तरफ तो डोमिनिक अपनी कार को मस्त रिपेयर करके आ जाता है रशिया के वाल्डविन में, वहीं पे उसका पीछा करते करते आ जाती है उसकी टीम, जहां पर हम देखते हैं कि डोमिनिक के पीछे लगा था ईएमपी डिवाइस जिसे वो यूज करके 4-5 माइल्स तक एरिया को ठप कर सकता था, जिसके बाद वो उसका यूज करता है जिससे कि वहां के जितने भी रशियन मशीन्स होती है उन सभी का चूतिया कट जाता है और सब बंद पड़ जाते हैं, और वहां से वो अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सबमरीन के नीचे आ जाता है ताकि वो एक ईएमपी ब्लास्ट करेगा जिससे कि सबमरीन रिबूट होगा, और इधर साइफर को टाइम मिलेगा रशियन सर्वर को हैक करने के लिए और अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन मजा अब इधर ये आता है कि डोमिनिक की टीम साइफर के प्लान पर रशिया का ठंडा पानी डालने के लिए आ जाती है, जिसके बाद बहुत सारी फाइट्स कार चेजिंग टेंस सीन्स दिखाई जाती है और सब एक आदमी के पीछे पड़े थे जो कि डोमिनिक, और इसने अपने दिमाग से सबका छक्का छुड़ा दिया था। जहां पर ट्विस्ट अब ये आता है कि डोमिनिक के टक्कर का दिमाग का एक और आदमी था जिसका नाम था डेकल शॉ, वो आ जाता है साइफर के प्लेन में अपने भाई के साथ जिसका नाम था ओविन शॉ, जहाँ पर मार्कस यानी कि डोमिनिक का बच्चा मौजूद था, जिसके बाद शॉ उस बच्चे को बचा के पूरे प्लेन के आदमियों को अच्छे से पेल पाल करके वहाँ से फुर हो जाता है, और इधर से साइफर भी भाग जाती है। और अब जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसके बच्चे को बचा लिया गया तो वो अब अपनी टीम के साथ वापस रीयूनाइट हो जाता है, जिसके बाद अब ये समझ आता है कि साइफर की टीम के अब अच्छे से लगने वाली है और अब दो दो टकले पेलने के फिराक में है साइफर की आर्मी को। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सबमरीन डोमिनिक की टीम के पीछे
पीछे पड़ा था और वो सबमरीन से उनके ऊपर एक हीट रेजर मिसाइल छोड़ देते हैं। लेकिन डोमिनिक भैया अपने बिना बाल वाले टकले के अंदर जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करते हैं और उनकी मिसाइल को उनके ही पिछवाड़े में डाल देते हैं, जिससे कि होता है घंघोर ब्लास्ट और दुनिया इधर बच जाती है इतने बड़े मुसीबत से। और इधर अब ये टीम जो कि अलग हो गई थी इस कमीनी साइफर की वजह से, अब ये एक हो जाती है, जिसके बाद मूवी का दी एंड हो जाता है। जिसके बाद हम हैप्पी मोमेंट्स में देखते हैं कि सब अपने घर आ चुके थे और अब डोमिनिक का बच्चा भी उसके पास आ जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डोमिनिक और उसकी गर्लफ्रेंड लेटी। अब ये दोनों वहाँ से निकल रहे होते, तभी वहाँ पर इसके पास एक लड़की आती है और कहती कि तुम्हारा एक भाई है जिसे यहाँ का गुंडा छेड़ रहा है और वो उसकी गाड़ी उठा के लेके जाने वाला है। वहीं पे डोमिनिक अपने भाई को बचाने के लिए उस पूरे क्यूबा के बड़े गुंडे जिसका नाम होता है रेल्डो उससे पंगा ले लेता है। और रेल्डो कहता है कि तेरे भाई ने मुझे जबान दी थी कि अगर वो रेस में हारेगा तो उसकी गाड़ी मेरी हो जाएगी, और अब वो ये रेस हार चुका है। तो डोमिनिक उसे कहता है कि इसमें लड़ने का क्या है, अगर तुझे लड़ना है तो तुम मुझसे लड़के दिखा। और फिर डोमिनिक अपनी खटारा गाड़ी के साथ में रेल्डो के साथ रेस लगाने को रेडी हो जाता है, जिसके पास मिसाइलिन की सबसे तेज गाड़ी थी। रेस को जीतने के लिए डोमिनिक अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है और ये रेस बहुत ही इंटेंस होती है। लेकिन तभी डोमिनिक की कार में आग लग जाती है, लेकिन डोमिनिक जो कि अच्छा ड्राइवर था तो उसने इस रेस को उस खटारे गाड़ी के साथ ही जीत लिया। और जैसे कि जबान दी थी रेल्डो ने कि रेस जो जीतेगा गाड़ी उसकी होगी, तो वहाँ पर अब रेल्डो अपनी गाड़ी की चाबी डोमिनिक को देने लगता है और साथ ही में कहते हैं कि तुमने गाड़ी भी जीत ली और इसके साथ मेरा दिल भी जीत लिया। लेकिन तभी डोमिनिक कहते हैं कि गाड़ी तुम रखो, बस तुम्हारी ये दिलेरी मेरे काम की है। और वो वहाँ से अपनी गाड़ी अम्पाला अपने छोटे भाई को गिफ्ट करके चला जाता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि लैटी और डोमिनिक अपनी हनीमून की तैयारी कर रहे थे। वहीं अगले दिन जब वो मार्केट से सब्जी लेकर निकल रहा होता है, तब उसे दिखता है कि एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई है। और जब वो उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हैकर होती है जिसका नाम होता है साइफर। और तब साइफर उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर सकती हूँ। क्योंकि साइफर को पता था कि डोमिनिक की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था एलिना, उससे डोमिनिक का एक बच्चा हुआ था। तो साइफर उसे कहती कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं एलिना और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगी। वहीं पर अब हम देखते हैं इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर को जिसका नाम होता है हॉब्स। वो अपनी बेटी के फुटबॉल मैच के लिए अपने बेटे को जोश दिला रहा था और वहीं पर एक गवर्नमेंट का आदमी आता है और उससे बताते हैं कि कुछ लोगों की ईएमपी डिवाइस पर नजर है और तुम्हें उसको बचाना है। ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स की डिवाइस, जिससे कि एक ऐसी वेव निकलती है कि उसका एक वेव 4 से 6 मील तक के एरिया को सुन कर सकती है, यानी कि नो बिजली नो इलेक्ट्रिक डिवाइस। और तब जाके हॉब्स अपने टीम को कॉल लगा देता है और कहते हैं कि हमें ईएमपी को चोरी होने से रोकना होगा। और अब सारी की सारी टीम ईएमपी को अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे डोमिनिक उनके साथ गद्दारी कर देता है क्योंकि अब डोमिनिक हाथ मिला चुका था साइफर के साथ और इसी वजह से अब जेल हो जाती है हॉब्स को। और हॉब्स को बचाने के लिए वहाँ पे नोबडी एक चाल चलता है, जेल में काफ़ी सारे गुंडों के दरवाजे खोल देता है, जिसकी वजह से हॉब्स निकल जाता है और वहीं पे शॉ भी निकल जाता है, जिसके बाद दोनों की एक फाइट होती है और फिर वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। जिसके बाद हम डोमिनिक को देखते हैं और यहाँ पर हमें डोमिनिक की एक्स बीवी भी दिखाई जाती है जिसका नाम था एलिना, और उसके बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम उन्होंने रखा था मार्कस। जिसके बाद हम साइफर को देखते हैं जो कि डोमिनिक को कहती है कि अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे डिफेंस मिनिस्टर से न्यूक्लियर कोड्स ला के दो ताकि मैं मिसाइल छोड़ सकूँ। मिसाइल्स इसलिए छोड़नी थी क्योंकि वो एक वन ऑफ द बेस्ट हैकर है और वो बहुत सारी चोरियां करना चाहती थी और उसको पुलिस ना रोक सके, जिसके लिए उसको खुद को सुपर स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहती थी ताकि उसके रास्ते में कोई ना आए। और वहाँ पर मिस्टर नोबडी साइफर को रोकने के लिए टीम बना रहा था जिसके लिए उसे डोमिनिक की टीम चाहिए थी, लेकिन वो जानता था कि उनके खिलाफ अब डोमिनिक खड़ा है, जिसके लिए उन्हें टीम में एक ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जो कि बिल्कुल डोमिनिक की तरह सोचता हो। जिसके बाद वो इस टीम में शॉ को लेने का डिसाइड करते हैं और जैसे ही हॉब शॉ को देखता है, जिसके बाद दोनों के दिमाग का भोपला हो जाता है, जिसके बाद दोनों कहते हैं कि हम दोनों काम नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। लेकिन दुनिया को बचाने के लिए दोनों को काम करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इधर हम देखते हैं डोमिनिक को, वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी बच्चे पे कोई आ जाए, इसके लिए वो छुपके से मिलने जाता है शॉ की मम्मी से, क्योंकि वो जानता था कि शॉ की मम्मी एक बहुत बड़ी गुंडी है और वो इसकी इस काम में हेल्प कर सकती है। जिसके बाद हम डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं जो कि अपने बुलेट प्रूफ कार में अपने हेडक्वार्टर्स में जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर साइफर अपनी हैकिंग स्किल से वहाँ पर रोड पर मौजूद 2 किलोमीटर की दूर में जितनी भी टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है सबको हैक कर लेती है और उन सभी को हैक करके वो धड़ाधड़ मिनिस्टर के ऊपर ठोकने लगती है गाड़ी। उसके बाद में आता है डोमिनिक अपने हाथ में एक चेन सॉ लेके उसे जान से मारने के लिए, वो उसको एक मौका भी देता है और वही मौका पाके डिफेंस मिनिस्टर अपने सारे न्यूक्लियर कोर्स डोमिनिक के हाथ में दे देता है और यहाँ से डोमिनिक लेके निकलता है सारे न्यूक्लियर कोर्स को। लेकिन तभी उसे रोकने के लिए आ जाती है उसकी खुद की टीम,
लेकिन डोमिनिक तो डोमिनिक है, वो सभी को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाता है। लेकिन अब इधर हम एक सीन देखते हैं जिसमें सभी ने अपनी अपनी गाड़ी को डोमिनिक की गाड़ी पे अपना फंदा मार दिया था, जिसकी वजह से अब वो इधर ना जा पा रहा था ना उधर जा पा रहा था। ये सीन बहुत ही सेक्सी डायरेक्ट किया गया था और वल्ला सीच है, माँ कसम फाड़ू सीन था ये, जहाँ पे उसकी गाड़ी को खींचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं सब, लेकिन डोमिनिक की गाड़ी में डोमिनिक जैसा दम था तो वो कैसे करके खुद को वहाँ से निकाल लेता है और फिर पहुँच जाता है साइफर के लोकेशन पे। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि साइफर ने उसको कहा था कि तुम्हें उसकी नज़र से गायब नहीं होना, लेकिन उसे पता चल जाता है कि डोमिनिक चुपके से साइफर की नज़र से बच के वो जाके मिलता है शॉ की मम्मी से, और ये बात साइफर को पसंद नहीं आई। और अब दुख की बात ये होती है कि साइफर ने डोमिनिक की पत्नी को टपका देती है, जिसको देख कर डोमिनिक बहुत इमोशनल हो जाता है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था लेकिन वो मजबूर था क्योंकि उसका बच्चा अभी भी उसके पास था। वहीं दूसरी ओर अब डोमिनिक की टीम अब आ जाती है हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे नोबडी उन पे बहुत गुस्सा होता है और उनको बहुत सुनाता है, जिसके बाद उन्हें खोजबीन करते करते उन्हें पता चलता है कि अगला इंसिडेंट अब रशिया के वाल्डविन में होने वाला है। जैसा कि साइफर का प्लान है, एक तरफ तो डोमिनिक अपनी कार को मस्त रिपेयर करके आ जाता है रशिया के वाल्डविन में, वहीं पे उसका पीछा करते करते आ जाती है उसकी टीम, जहाँ पर हम देखते हैं कि डोमिनिक के पीछे लगा था ईएमपी डिवाइस, जिसे वो यूज करके 4-5 माइल्स तक एरिया को ठप कर सकता था, जिसके बाद उसका यूज करता है, जिससे कि वहाँ के जितने भी रशियन मशीन्स होती है उन सभी का चूतिया कट जाता है और सब बंद पड़ जाते हैं। और वहाँ से वो अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सबमरीन के नीचे आ जाता है, ताकि वो एक ईएमपी ब्लास्ट करेगा जिससे कि सबमरीन रिबूट होगा, और इधर साइफर को टाइम मिलेगा रशियन सर्वर को हैक करने के लिए और अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन मजा अब इधर ये आता है कि डोमिनिक की टीम साइफर के प्लान पर रशिया का ठंडा पानी डालने के लिए आ जाती है, जिसके बाद बहुत सारी फाइट्स, कार चेज, इंटेंस सीन्स दिखाई जाती है और सब एक आदमी के पीछे पड़े थे जो कि डोमिनिक, और इसने अपने दिमाग से सबका छक्का छुड़ा दिया था। जहां पर ट्विस्ट अब ये आता है कि डोमिनिक के टक्कर का दिमाग का एक और आदमी था जिसका नाम था डेकल शॉ, वो आ जाता है साइफर के प्लेन में अपने भाई के साथ जिसका नाम था ओविन शॉ, जहाँ पर मार्कस यानी कि डोमिनिक का बच्चा मौजूद था, जिसके बाद शॉ उस बच्चे को बचा के पूरे प्लेन के आदमियों को अच्छे से पेल पाल करके वहाँ से फुर हो जाता है, और इधर से साइफर भी भाग जाती है। और अब जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसके बच्चे को बचा लिया गया, तो वो अब अपनी टीम के साथ वापस रीयूनाइट हो जाता है, जिसके बाद अब ये समझ आता है कि साइफर की टीम के बच्चे से लगने वाली है, और अब दो दो टकले पेलने के फिराक में है साइफर की आर्मी को। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सबमरीन डोमिनिक की टीम के पीछे पड़ा था, और वो सबमरीन से उनके ऊपर एक हीट रेजर मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन डोमिनिक भैया अपने बिना बाल वाले टकले के अंदर जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करते हैं और उनकी मिसाइल को उनके ही पिछवाड़े में डाल देते हैं, जिससे कि होता है घंघोर ब्लास्ट और दुनिया इधर बच जाती है इतने बड़े मुसीबत से। और इधर अब ये टीम जो कि अलग हो गई थी इस कमीनी साइफर की वजह से, अब ये एक हो जाती है, जिसके बाद मूवी का दी एंड हो जाता है, जिसके बाद हम हैप्पी मोमेंट्स में देखते हैं कि सब अपने घर आ चुके थे और अब डोमिनिक का बच्चा भी उसके पास आ जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डोमिनिक और उसकी गर्लफ्रेंड लेटी। अब ये दोनों वहाँ से निकल रहे होते, तभी वहाँ पर इसके पास एक लड़की आती है और कहती कि तुम्हारा एक भाई है जिसे यहाँ का गुंडा छेड़ रहा है और वो उसकी गाड़ी उठा के लेके जाने वाला है। वहीं पे डोमिनिक अपने भाई को बचाने के लिए उस पूरे क्यूबा के बड़े गुंडे जिसका नाम होता है रेल्डो, उससे पंगा ले लेता है। और रेल्डो कहता है कि तेरे भाई ने मुझे जबान दी थी कि अगर वो रेस में हारेगा तो उसकी गाड़ी मेरी हो जाएगी, और अब वो ये रेस हार चुका है। तो डोमिनिक उसे कहता है कि इसमें लड़ने का क्या है, अगर तुझे लड़ना है तो तुम मुझसे लड़के दिखा। और फिर डोमिनिक अपनी खटारा गाड़ी के साथ में रेल्डो के साथ रेस लगाने को रेडी हो जाता है, जिसके पास मिसाइलिन की सबसे तेज गाड़ी थी। रेस को जीतने के लिए डोमिनिक अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है और ये रेस बहुत ही इंटेंस होती है। लेकिन तभी डोमिनिक की कार में आग लग जाती है, लेकिन डोमिनिक जो कि अच्छा ड्राइवर था तो उसने इस रेस को उस खटारे गाड़ी के साथ ही जीत लिया। और जैसे कि जबान दी थी रेल्डो ने कि रेस जो जीतेगा गाड़ी उसकी होगी, तो वहाँ पर अब रेल्डो अपनी गाड़ी की चाबी डोमिनिक को देने लगता है और साथ ही में कहते कि तुमने गाड़ी भी जीत ली और उसके साथ मेरा दिल भी जीत लिया। लेकिन तभी डोमिनिक कहते कि गाड़ी तुम रखो, बस तुम्हारी ये दिलेरी मेरे काम की है, और वो वहाँ से अपनी गाड़ी अम्पाला अपने छोटे भाई को गिफ्ट करके चला जाता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि लैटी और डोमिनिक अपनी हनीमून की तैयारी कर रहे थे। वहीं अगले दिन जब वो मार्केट से सब्जी लेकर निकल रहा होता है, तब उसे दिखता है कि एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई है, और जब वो उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हैकर होती है जिसका नाम होता है साइफर। और तब साइफर उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर सकती हूँ, क्योंकि साइफर को पता था कि डोमिनिक की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था एलिना, उससे डोमिनिक का एक बच्चा हुआ था। तो साइफर उसे कहते कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं एलिना और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगी।
वहीं पर अब हम देखते हैं इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर को जिसका नाम होता है हॉब्स। वो अपनी बेटी के फुटबॉल मैच के लिए अपने बेटे को जोश दिला रहा था और वहीं पर एक गवर्नमेंट का आदमी आता है और उससे बताते हैं कि कुछ लोगों की ईएमपी डिवाइस पे नजर है और तुम्हें उसको बचाना है। ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स की डिवाइस, जिससे कि एक ऐसी वेव निकलती है कि उसका एक वेव 4 से 6 मील तक के एरिया को सुन कर सकती है, यानी कि नो बिजली नो इलेक्ट्रिक डिवाइस। और तब जाके हॉब्स अपने टीम को कॉल लगा देता है और कहते हैं कि हमें ईएमपी को चोरी होने से रोकना होगा। और अब सारी की सारी टीम ईएमपी को अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे डोमिनिक उनके साथ गद्दारी कर देता है क्योंकि अब डोमिनिक हाथ मिला चुका था साइफर के साथ और इसी वजह से अब जेल हो जाती है हॉब्स को। और हॉब्स को बचाने के लिए वहाँ पे नोबडी एक चाल चलता है, जेल में काफ़ी सारे गुंडों के दरवाजे खोल देता है जिसकी वजह से हॉब्स निकल जाता है और वहीं पे शॉ भी निकल जाता है, जिसके बाद दोनों की एक फाइट होती है और फिर वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। जिसके बाद हम डोमिनिक को देखते हैं और यहाँ पर हमें डोमिनिक की एक्स बीवी भी दिखाई जाती है जिसका नाम था एलिना और उसके बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम उन्होंने रखा था मार्कस। जिसके बाद हम साइफर को देखते हैं जो कि डोमिनिक को कहती है कि अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे डिफेंस मिनिस्टर से न्यूक्लियर कोर्स ला के दो ताकि मैं मिसाइल छोड़ सकूँ। मिसाइल्स इसलिए छोड़नी थी क्योंकि वो एक वन ऑफ द बेस्ट हैकर है और वो बहुत सारी चोरियां करना चाहती थी और उसको पुलिस ना रोक सके, जिसके लिए उसको खुद को सुपर स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहती थी ताकि उसके रास्ते में कोई ना आए। और वहाँ पर मिस्टर नोबडी साइफर को रोकने के लिए टीम बना रहा था जिसके लिए उसे डोमिनिक की टीम चाहिए थी, लेकिन वो जानता था कि उनके खिलाफ अब डोमिनिक खड़ा है, जिसके लिए उन्हें टीम में एक ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जो कि बिल्कुल डोमिनिक की तरह सोचता हो। जिसके बाद वो इस टीम में शॉ को लेने का डिसाइड करते हैं और जैसे ही हॉब शॉ को देखता है जिसके बाद दोनों के दिमाग का भोपला हो जाता है, जिसके बाद दोनों कहते हैं कि हम दोनों काम नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए दोनों को काम करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इधर हम देखते हैं डोमिनिक को, वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी बच्चे पे कोई आ जाए, इसके लिए वो छुपके से मिलने जाता है शॉ की मम्मी से क्योंकि वो जानता था कि शॉ की मम्मी एक बहुत बड़ी गुंडी है और वो इसकी इस काम में हेल्प कर सकती है। जिसके बाद हम डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं जो कि अपने बुलेट प्रूफ कार में अपने हेडक्वार्टर्स में जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर साइफर अपनी हैकिंग स्किल से वहाँ पर रोड पर मौजूद 2 किलोमीटर की दूर में जितनी भी टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है सबको हैक कर लेती है और उन सभी को हैक करके वो धड़ाधड़ मिनिस्टर के ऊपर ठोकने लगती है गाड़ी। उसके बाद में आता है डोमिनिक अपने हाथ में एक चेन सॉ लेके उसे जान से मारने के लिए, वो उसको एक मौका भी देता है और वहीं मौका पाके डिफेंस मिनिस्टर अपने सारे न्यूक्लियर कोर्स डोमिनिक के हाथ में दे देता है और यहाँ से डोमिनिक लेके निकलता है सारे न्यूक्लियर कोर्स को, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए आ जाती है उसकी खुद की टीम। लेकिन डोमिनिक तो डोमिनिक है, वो सभी को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाता है, लेकिन अब इधर हम एक सीन देखते हैं जिसमें सभी ने अपनी अपनी गाड़ी को डोमिनिक की गाड़ी पे अपना फंदा मार दिया था जिसकी वजह से अब वो इधर ना जा पा रहा था ना उधर जा पा रहा था। ये सीन बहुत ही सेक्सी डायरेक्ट किया गया था और वल्ला सीच है, माँ कसम फाड़ू सीन था ये, जहाँ पे उसकी गाड़ी को खींचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं सब, लेकिन डोमिनिक की गाड़ी में डोमिनिक जैसा दम था तो वो कैसे करके खुद को वहाँ से निकाल लेता है और फिर पहुँच जाता है साइफर के लोकेशन पे। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि साइफर ने उसको कहा था कि तुम्हें उसकी नज़र से गायब नहीं होना, लेकिन उसे पता चल जाता है कि डोमिनिक चुपके से साइफर की नज़र से बच के वो जाके मिलता है शॉ की मम्मी से और ये बात साइफर को पसंद नहीं आई। और अब दुख की बात ये होती है कि साइफर ने डोमिनिक की पत्नी को टपका देती है, जिसको देख कर डोमिनिक बहुत इमोशनल हो जाता है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था लेकिन वो मजबूर था क्योंकि उसका बच्चा अभी भी उसके पास था। वहीं दूसरी ओर अब डोमिनिक की टीम अब आ जाती है हेडक्वार्टर्स में जहाँ पे नोबडी उन पे बहुत गुस्सा होता है और उनको बहुत सुनाता है, जिसके बाद उन्हें खोजबीन करते करते उन्हें पता चलता है कि अगला इंसिडेंट अब रशिया के वाल्डविन में होने वाला है। जैसा कि साइफर का प्लान है, एक तरफ तो डोमिनिक अपनी कार को मस्त रिपेयर करके आ जाता है रशिया के वाल्डविन में, वहीं पे उसका पीछा करते करते आ जाती है उसकी टीम, जहां पर हम देखते कि डोमिनिक के पीछे लगा था ईएमपी डिवाइस जिसे वो यूज करके 4-5 माइल्स तक एरिया को ठप कर सकता था, जिसके बाद उसका यूज करता है जिससे कि वहाँ के जितने भी रशियन मशीन्स होती है उन सभी का चूतिया कट जाता है और सब बंद पड़ जाते हैं। और वहाँ से वो अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सबमरीन के नीचे आ जाता है ताकि वो एक ईएमपी ब्लास्ट करेगा जिससे कि सबमरीन रिबूट होगा और इधर साइफर को टाइम मिलेगा रशियन सर्वर को हैक करने के लिए और अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन मजा अब इधर ये आता है कि डोमिनिक की टीम साइफर के प्लान पर रशिया का ठंडा पानी डालने के लिए आ जाती है, जिसके बाद बहुत सारी फाइट्स कार चेज इंटेंस सीन्स दिखाई जाती है और सब एक आदमी के पीछे पड़े थे जो कि डोमिनिक, और इसने अपने दिमाग से सबका छक्का छुड़ा दिया था।
जहाँ पर ट्विस्ट अब ये आता है कि डोमिनिक के टक्कर का दिमाग का एक और आदमी था जिसका नाम था डेकल शॉ। वो आ जाता है साइफर के प्लेन में अपने भाई के साथ जिसका नाम था ओविड शॉ, जहाँ पर मार्कस यानी कि डोमिनिक का बच्चा मौजूद था। जिसके बाद शॉ उस बच्चे को बचा के पूरे प्लेन के आदमियों को अच्छे से पेल पाल करके वहाँ से फुर हो जाता है और इधर से साइफर भी भाग जाते हैं। और अब जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसके बच्चे को बचा लिया गया तो वो अब अपनी टीम के साथ वापस रीयूनाइट हो जाता है। जिसके बाद अब ये समझ आता है कि साइफर की टीम के अब अच्छे से लगने वाली है और अब दो दो टकले पेलने के फिराक में है साइफर की आर्मी को। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सबमरीन डोमिनिक की टीम के पीछे पड़ा था और वो सबमरीन से उनके ऊपर एक हीट रेजर मिसाइल छोड़ देते हैं। लेकिन डोमिनिक भैया अपने बिना बाल वाले टकले के अंदर जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करते हैं और उनकी मिसाइल को उनके ही पिछवाड़े में डाल देते हैं, जिससे कि होता है घंघोर ब्लास्ट और दुनिया इधर बच जाती है इतने बड़े मुसीबत से। और इधर अब ये टीम जो कि अलग हो गई थी इस कमीनी साइफर की वजह से, अब ये एक हो जाती है। जिसके बाद मूवी का दी एंड हो जाता है। जिसके बाद हम हैप्पी मोमेंट्स में देखते हैं कि सब अपने घर आ चुके थे और अब डोमिनिक का बच्चा भी उसके पास आ जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डोमिनिक और उसकी गर्लफ्रेंड लेटी। अब ये दोनों वहाँ से निकल रहे होते तभी वहाँ पर इसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि तुम्हारा एक भाई है जिसे यहाँ का गुंडा छेड़ रहा है और वो उसकी गाड़ी उठा के लेके जाने वाला है। वहीं पे डोमिनिक अपने भाई को बचाने के लिए उस पूरे क्यूबा के बड़े गुंडे जिसका नाम होता है रेल्डो उससे पंगा ले लेता है। और रेल्डो कहता है कि तेरे भाई ने मुझे जबान दी थी कि अगर वो रेस में हारेगा तो उसकी गाड़ी मेरी हो जाएगी। और अब वो ये रेस हार चुका है तो डोमिनिक उसे कहता है कि इसमें लड़ने का क्या है, अगर तुझे लड़ना है तो तुम मुझसे लड़के दिखा। और फिर डोमिनिक अपनी खटारा गाड़ी के साथ में रेल्डो के साथ रेस लगाने को रेडी हो जाता है, जिसके पास मिसाइल इनकी सबसे तेज गाड़ी थी। रेस को जीतने के लिए डोमिनिक अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है और ये रेस बहुत ही इंटेंस होती है। लेकिन तभी डोमिनिक की कार में आग लग जाती है, लेकिन डोमिनिक जो कि अच्छा ड्राइवर था तो उसने इस रेस को उस खटारे गाड़ी के साथ ही जीत लिया। और जैसे कि जबान दी थी रेल्डो ने कि रेस जो जीतेगा गाड़ी उसकी होगी, तो वहाँ पर अब रेल्डो अपनी गाड़ी की चाबी डोमिनिक को देने लगता है और साथ ही में कहते हैं कि तुमने गाड़ी भी जीत ली और उसके साथ मेरा दिल भी जीत लिया। लेकिन तभी डोमिनिक कहते हैं कि गाड़ी तुम रखो, बस तुम्हारी ये दिलेरी मेरे काम की है। और वो वहाँ से अपनी गाड़ी अम्पाला अपने छोटे भाई को गिफ्ट करके चला जाता है। वही भी हमें दिखाया जाता है कि लैटी और डोमिनिक अपनी हनीमून की तैयारी कर रहे थे। वहीं अगले दिन जब वो मार्केट से सब्जी लेकर निकल रहा होता है तब उसे दिखता है कि एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई है। और जब वो उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हैकर होती है जिसका नाम होता है साइफर। और तब साइफर उसे कहते कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर सकती हूँ। क्योंकि साइफर को पता था कि डोमिनिक की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था एलिना, उससे डोमिनिक का एक बच्चा हुआ था। तो साइफर उसे कहती कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं एलिना और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगी। वहीं पर अब हम देखते हैं इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर को जिसका नाम होता है हॉब्स। वो अपनी बेटी के फुटबॉल मैच के लिए अपने बेटे को जोश दिला रहा था और वहीं पर एक गवर्नमेंट का आदमी आता है और उससे बताते कि कुछ लोगों की ईएमपी डिवाइस पे नजर है और तुम्हें उसको बचाना है। ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स की डिवाइस, जिससे कि एक ऐसी वेव निकलती है कि उसका एक वेव 4 से 6 मील तक के एरिया को सुन कर सकती है, यानी कि नो बिजली नो इलेक्ट्रिक डिवाइस। और तब जाके हॉब्स अपने टीम को कॉल लगा देता है और कहते हैं कि हमें ईएमपी को चोरी होने से रोकना होगा। और अब सारी की सारी टीम ईएमपी को अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे डोमिनिक उनके साथ गद्दारी कर देता है क्योंकि अब डोमिनिक हाथ मिला चुका था साइफर के साथ और इसी वजह से अब जेल हो जाती है हॉब्स को। और हॉब्स को बचाने के लिए वहाँ पे नोबडी एक चाल चलता है, जेल में काफ़ी सारे गुंडों के दरवाजे खोल देता है जिसकी वजह से हॉब्स निकल जाता है और वहीं पे शॉ भी निकल जाता है। जिसके बाद दोनों की एक फाइट होती है और फिर वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। जिसके बाद हम डोमिनिक को देखते हैं और यहाँ पर हमें डोमिनिक की एक्स बीवी भी दिखाई जाती है जिसका नाम था एलिना और उसके बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम उन्होंने रखा था मार्कस। जिसके बाद हम साइफर को देखते हैं जो कि डोमिनिक को कहती है कि अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे डिफेंस मिनिस्टर से न्यूक्लियर कोड्स ला के दो ताकि मैं मिसाइल छोड़ सकूँ। मिसाइल्स इसलिए छोड़नी थी क्योंकि वो एक वन ऑफ द बेस्ट हैकर है और वो बहुत सारी चोरियां करना चाहती थी और उसको पुलिस ना रोक सके, जिसके लिए उसको खुद को सुपर स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहती थी ताकि उसके रास्ते में कोई ना आए। और वहाँ पर मिस्टर नोबडी साइफर को रोकने के लिए टीम बना रहा था जिसके लिए उसे डोमिनिक की टीम चाहिए थी, लेकिन वो जानता था कि उनके खिलाफ अब डोमिनिक खड़ा है, जिसके लिए उन्हें टीम में एक ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जो कि बिल्कुल डोमिनिक की तरह सोचता हो। जिसके बाद वो इस टीम में शॉ को लेने का डिसाइड करते हैं और जैसे ही हॉब शॉ को देखता है जिसके बाद दोनों के दिमाग का भोपला हो जाता है। जिसके बाद दोनों कहते हैं कि हम दोनों काम नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए दोनों को काम करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इधर हम देखते हैं डोमिनिक को, वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी बच्चे पे कोई आ जाए,
इसके लिए वो छुपके से मिलने जाता है शॉ की मम्मी से, क्योंकि वो जानता था कि शॉ की मम्मी एक बहुत बड़ी गुंडी है और वो इसके इस काम में हेल्प कर सकती है। जिसके बाद हम डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं जो कि अपने बुलेट प्रूफ कार में अपने हेडक्वार्टर्स में जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर साइफर अपनी हैकिंग स्किल से वहां पर रोड पर मौजूद 2 किलोमीटर की दूर में जितनी भी टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है सबको हैक कर लेती है, और उन सभी को हैक करके वो धड़ाधड़ मिनिस्टर के ऊपर ठोकने लगती है गाड़ी। उसके बाद में आता है डोमिनिक अपने हाथ में एक चेन सॉ लेके उसे जान से मारने के लिए। वो उसको एक मौका भी देता है और वही मौका पाके डिफेंस मिनिस्टर अपने सारे न्यूक्लियर कोर्स डोमिनिक के हाथ में दे देता है, और यहाँ से डोमिनिक लेके निकलता है सारे न्यूक्लियर कोर्स को, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए आ जाती है उसकी खुद की टीम। लेकिन डोमिनिक तो डोमिनिक है, वो सभी को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाता है। लेकिन अब इधर हम एक सीन देखते हैं जिसमें सभी ने अपनी अपनी गाड़ी को डोमिनिक की गाड़ी पे अपना फंदा मार दिया था, जिसकी वजह से अब वो इधर ना जा पा रहा था ना उधर जा पा रहा था। ये सीन बहुत ही सेक्सी डायरेक्ट किया गया था और वल्ला सीन है, माँ कसम फाड़ू सीन था ये, जहाँ पे उसकी गाड़ी को खींचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं सब, लेकिन डोमिनिक की गाड़ी में डोमिनिक जैसा दम था तो वो कैसे करके खुद को वहां से निकाल लेता है और फिर पहुंच जाता है साइफर के लोकेशन पे। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि साइफर ने उसको कहा था कि तुम्हें उसकी नजर से गायब नहीं होना, लेकिन उसे पता चल जाता है कि डोमिनिक चुपके से साइफर की नजर से बच के वो जाके मिलता है शॉ की मम्मी से, और ये बात साइफर को पसंद नहीं आई। और अब दुख की बात ये होती है कि साइफर ने डोमिनिक की पत्नी को टपका देती है, जिसको देख कर डोमिनिक बहुत इमोशनल हो जाता है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था लेकिन वो अब मजबूर था क्योंकि उसका बच्चा अभी भी उसके पास था। वहीं दूसरी ओर अब डोमिनिक की टीम अब आ जाती है हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे नोबडी उन पे बहुत गुस्सा होता है और उनको बहुत सुनाता है, जिसके बाद उन्हें खोजबीन करते करते उन्हें पता चलता है कि अगला इंसिडेंट अब रशिया के वाल्डविन में होने वाला है। जैसा कि साइफर का प्लान है, एक तरफ तो डोमिनिक अपनी कार को मस्त रिपेयर करके आ जाता है रशिया के वाल्डविन में, वहीं पे उसका पीछा करते करते आ जाती है उसकी टीम, जहां पर हम देखते हैं कि डोमिनिक के पीछे लगा था ईएमपी डिवाइस, जिसे वो यूज करके 4-5 माइल्स तक एरिया को ठप कर सकता था, जिसके बाद वो उसका यूज करता है जिससे कि वहां के जितने भी रशियन मशीन होती है उन सभी का चूतिया कट जाता है और सब बंद पड़ जाते हैं। और वहां से वो अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सबमरीन के नीचे आ जाता है, ताकि वो एक ईएमपी ब्लास्ट करेगा जिससे कि सबमरीन रिबूट होगा, और इधर साइफर को टाइम मिलेगा रशियन सर्वर को हैक करने के लिए और अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन मजा अब इधर ये आता है कि डोमिनिक की टीम साइफर के प्लान पर रशिया का ठंडा पानी डालने के लिए आ जाती है, जिसके बाद बहुत सारी फाइट्स, कार चेज, इंटेंस सीन्स दिखाई जाती है और सब एक आदमी के पीछे पड़ते हैं जो कि डोमिनिक, और इसने अपने दिमाग से सबका छक्का छुड़ा दिया था। जहां पर ट्विस्ट अब ये आता है कि डोमिनिक के टक्कर का दिमाग का एक और आदमी था जिसका नाम था डेकन शॉ। वो आ जाता है साइफर के प्लेन में अपने भाई के साथ जिसका नाम था ओविन शॉ, जहां पर मार्कस यानी कि डोमिनिक का बच्चा मौजूद था, जिसके बाद शॉ उस बच्चे को बचा के पूरे प्लेन के आदमियों को अच्छे से पेल पाल करके वहां से फुर हो जाता है, और इधर से साइफर भी भाग जाते हैं। और अब जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसके बच्चे को बचा लिया गया, तो वो अब अपनी टीम के साथ वापस रीयूनाइट हो जाता है, जिसके बाद अब ये समझ आता है कि साइफर की टीम के अब अच्छे से लगने वाली है, और अब दो दो टकले पेलने के फिराक में है साइफर की आर्मी को। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सबमरीन डोमिनिक की टीम के पीछे पड़ा था, और वो सबमरीन से उनके ऊपर एक हीट रेजर मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन डोमिनिक भैया अपने बिना बाल वाले टकले के अंदर जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करते हैं और उनकी मिसाइल को उनके ही पिछवाड़े में डाल देते हैं, जिससे कि होता है घंघोर ब्लास्ट और दुनिया इधर बच जाती है इतने बड़े मुसीबत से। और इधर अब ये टीम जो कि अलग हो गई थी इस कमीनी साइफर की वजह से, अब ये एक हो जाती है, जिसके बाद मूवी का दी एंड हो जाता है। जिसके बाद हम हैप्पी मोमेंट्स में देखते हैं कि सब अपने घर आ चुके थे और अब डोमिनिक का बच्चा भी उसके पास आ जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डोमिनिक और उसकी गर्लफ्रेंड लेटी। अब ये दोनों वहां से निकल रहे होते, तभी वहां पर इसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि तुम्हारा एक भाई है जिसे यहाँ का गुंडा छेड़ रहा है और वो उसकी गाड़ी उठा के लेके जाने वाला है। वहीं पे डोमिनिक अपने भाई को बचाने के लिए उस पूरे क्यूबा के बड़े गुंडे जिसका नाम होता है रेल्डो उससे पंगा ले लेता है, और रेल्डो कहता है कि तेरे भाई ने मुझे जबान दी थी कि अगर वो रेस में हारेगा तो उसकी गाड़ी मेरी हो जाएगी, और अब वो ये रेस हार चुका है। तो डोमिनिक उसे कहता है कि इसमें लड़ने का क्या है, अगर तुझे लड़ना है तो तुम मुझसे लड़के दिखा। और फिर डोमिनिक अपनी खटारा गाड़ी के साथ में रेल्डो के साथ रेस लगाने को रेडी हो जाता है, जिसके पास मिसाइल की सबसे तेज गाड़ी थी। रेस को जीतने के लिए डोमिनिक अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है और ये रेस बहुत ही इंटेंस होती है। लेकिन तभी डोमिनिक की कार में आग लग जाती है, लेकिन डोमिनिक जो कि अच्छा ड्राइवर था तो उसने इस रेस को उस खटारे गाड़ी के साथ ही जीत लिया। और जैसे कि जबान दी थी रेल्डो ने कि रेस जो जीतेगा गाड़ी उसकी होगी, तो वहां पर अब रेल्डो अपनी गाड़ी की चाबी डोमिनिक को देने लगता है और साथ ही में कहते हैं कि तुमने गाड़ी भी जीत ली और इसके साथ मेरा दिल भी जीत लिया। लेकिन तभी डोमिनिक कहते हैं कि गाड़ी तुम रखो, बस तुम्हारी ये दिलेरी मेरे काम की है,
और वो वहाँ से अपनी गाड़ी एम्पाला अपने छोटे भाई को गिफ्ट करके चला जाता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि लेटी और डोमिनिक अपनी हनीमून की तैयारी कर रहे थे। वहीं अगले दिन जब वो मार्केट से सब्जी लेकर निकल रहा होता है तब उसे दिखता है कि एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई है, और जब वो उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हैकर होती है जिसका नाम होता है साइफर। और तब साइफर उसे कहते कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर सकती हूँ, क्योंकि साइफर को पता था कि डोमिनिक की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था एलिना उससे डोमिनिक का एक बच्चा हुआ था। तो साइफर उसे कहती कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं एलिना और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगी। वहीं पर अब हम देखते हैं इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर को जिसका नाम होता है हॉब्स। वो अपनी बेटी के फुटबॉल मैच के लिए अपने बेटे को जोश दिला रहा था और वहीं पर एक गवर्नमेंट का आदमी आता है और उससे बताते कि कुछ लोगों की ईएमपी डिवाइस पे नजर है और तुम्हें उसको बचाना है। ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स की डिवाइस जिससे कि एक ऐसी वेव निकलती है कि उसका एक वेव 4 से 6 मील तक के एरिया को सुन कर सकती है, यानी कि नो बिजली नो इलेक्ट्रिक डिवाइस। और तब जाके हॉब्स अपने टीम को कॉल लगा देता है और कहते हैं कि हमें ईएमपी को चोरी होने से रोकना होगा। और अब सारी की सारी टीम ईएमपी को अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे डोमिनिक उनके साथ गद्दारी कर देता है क्योंकि अब डोमिनिक हाथ मिला चुका था साइफर के साथ और इसी वजह से अब जेल हो जाती है हॉब्स को। और हॉब्स को बचाने के लिए वहाँ पे नोबडी एक चाल चलता है, जेल में काफ़ी सारे गुंडों के दरवाजे खोल देता है जिसकी वजह से हॉब्स निकल जाता है और वहीं पे शॉ भी निकल जाता है, जिसके बाद दोनों की एक फाइट होती है और फिर वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। जिसके बाद हम डोमिनिक को देखते हैं और यहाँ पर हमें डोमिनिक की एक्स बीवी भी दिखाई जाती है जिसका नाम था एलिना, और उसके बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम उन्होंने रखा था मार्कस। जिसके बाद हम साइफर को देखते हैं जो कि डोमिनिक को कहती है कि अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे डिफेंस मिनिस्टर से न्यूक्लियर कोड्स ला के दो ताकि मैं मिसाइल छोड़ सकूँ। मिसाइल्स इसलिए छोड़नी थी क्योंकि वो एक वन ऑफ द बेस्ट हैकर है और वो बहुत सारी चोरियां करना चाहती थी और उसको पुलिस ना रोक सके, जिसके लिए उसको खुद को सुपर स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहती थी ताकि उसके रास्ते में कोई ना आए। और वहाँ पर मिस्टर नोबडी साइफर को रोकने के लिए टीम बना रहा था जिसके लिए उसे डोमिनिक की टीम चाहिए थी, लेकिन वो जानता था कि उनके खिलाफ अब डोमिनिक खड़ा है जिसके लिए उन्हें टीम में एक ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जो कि बिल्कुल डोमिनिक की तरह सोचता हो। जिसके बाद वो इस टीम में शॉ को लेने का डिसाइड करते हैं और जैसे ही हॉब शॉ को देखता है जिसके बाद दोनों के दिमाग का भोपला हो जाता है, जिसके बाद दोनों कहते हैं कि हम दोनों काम नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए दोनों को काम करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इधर हम देखते हैं डोमिनिक को वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी बच्चे पे कोई आ जाए, इसके लिए वो छुपके से मिलने जाता है शॉ की मम्मी से क्योंकि वो जानता था कि शॉ की मम्मी एक बहुत बड़ी गुंडी है और वो इसके इस काम में हेल्प कर सकती है। जिसके बाद हम डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं जो कि अपने बुलेट प्रूफ कार में अपने हेडक्वार्टर्स में जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर साइफर अपनी हैकिंग स्किल से वहाँ पर रोड पर मौजूद 2 किलोमीटर की दूर में जितनी भी टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है सबको हैक कर लेती है और उन सभी को हैक करके वो धड़ाधड़ मिनिस्टर के ऊपर ठोकने लगती है गाड़ी। उसके बाद में आता है डोमिनिक अपने हाथ में एक चेन सॉ लेके उसे जान से मारने के लिए, वो उसको एक मौका भी देता है और वही मौका पाके डिफेंस मिनिस्टर अपने सारे न्यूक्लियर कोड्स डोमिनिक के हाथ में दे देता है और यहाँ से डोमिनिक लेके निकलता है सारे न्यूक्लियर कोड्स को, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए आ जाती है उसकी खुद की टीम। लेकिन डोमिनिक तो डोमिनिक है, वो सभी को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाता है, लेकिन अब इधर हम एक सीन देखते हैं जिसमें सभी ने अपनी अपनी गाड़ी को डोमिनिक की गाड़ी पे अपना फंदा मार दिया था जिसकी वजह से अब वो इधर ना जा पा रहा था ना उधर जा पा रहा था। ये सीन बहुत ही सेक्सी डायरेक्ट किया गया था और वल्ला सीन है, माँ कसम फाड़ू सीन था ये, जहाँ पे उसकी गाड़ी को खींचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं सब, लेकिन डोमिनिक की गाड़ी में डोमिनिक जैसा दम था तो वो कैसे करके खुद को वहाँ से निकाल लेता है और फिर पहुँच जाता है साइफर के लोकेशन पे। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि साइफर ने उसको कहा था कि तुम्हें उसकी नज़र से गायब नहीं होना, लेकिन उसे पता चल जाता है कि डोमिनिक चुपके से साइफर की नज़र से बच के वो जाके मिलता है शॉ की मम्मी से और ये बात साइफर को पसंद नहीं आई। और अब दुख की बात ये होती है कि साइफर ने डोमिनिक की पत्नी को टपका देती है, जिसको देख कर डोमिनिक बहुत इमोशनल हो जाता है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था लेकिन वो मजबूर था क्योंकि उसका बच्चा अभी भी उसके पास था। वहीं दूसरी ओर अब डोमिनिक की टीम अब आ जाती है हेडक्वार्टर्स में जहाँ पे नोबडी उन पे बहुत गुस्सा होता है और उनको बहुत सुनाता है, जिसके बाद उन्हें खोजबीन करते करते उन्हें पता चलता है कि अगला इंसिडेंट अब रशिया के वाल्डविन में होने वाला है। जैसा कि साइफर का प्लान है, एक तरफ तो डोमिनिक अपनी कार को मस्त रिपेयर करके आ जाता है रशिया के वाल्डविन में, वहीं पे उसका पीछा करते करते आ जाती है उसकी टीम, जहां पर हम देखते हैं कि डोमिनिक के पीछे लगा था ईएमपी डिवाइस जिसे वो यूज करके 4-5 माइल्स तक एरिया को ठप कर सकता था, जिसके बाद वो उसका यूज करता है जिससे कि वहां के जितने भी रशियन मशीन्स होती है उन सभी का चूतिया कट जाता है और सब बंद पड़ जाते हैं। और वहां से वो अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सबमरीन के नीचे आ जाता है।
ताकि वो एक ईएमपी ब्लास्ट करेगा जिससे कि सबमरीन रिबूट होगा, और इधर साइफर को टाइम मिलेगा रशियन सर्वर को हैक करने के लिए और अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन मजा अब इधर ये आता है कि डोमिनिक की टीम साइफर के प्लान पर रशिया का ठंडा पानी डालने के लिए आ जाती है, जिसके बाद बहुत सारी फाइट्स, कार चेज, इंटेंस सीन्स दिखाई जाती है और सब एक आदमी के पीछे पड़े थे जो कि डोमिनिक, और इसने अपने दिमाग से सबका छक्का छुड़ा दिया था। जहां पर ट्विस्ट अब ये आता है कि डोमिनिक के टक्कर का दिमाग का एक और आदमी था जिसका नाम था डेकन शॉ। वो आ जाता है साइफर के प्लेन में अपने भाई के साथ जिसका नाम था ओविन शॉ, जहां पर मार्कस यानी कि डोमिनिक का बच्चा मौजूद था, जिसके बाद शॉ उस बच्चे को बचा के पूरे प्लेन के आदमियों को अच्छे से पेल पाल करके वहां से फुर हो जाता है, और इधर से साइफर भी भाग जाती है। और अब जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसके बच्चे को बचा लिया गया, तो वो अब अपनी टीम के साथ वापस रीयूनाइट हो जाता है, जिसके बाद अब ये समझ आता है कि साइफर की टीम के अब अच्छे से लगने वाली है, और अब दो दो टकले पेलने के फिराक में है साइफर की आर्मी को। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सबमरीन डोमिनिक की टीम के पीछे पड़ा था, और वो सबमरीन से उनके ऊपर एक हीट रेजर मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन डोमिनिक भैया अपने बिना बाल वाले टकले के अंदर जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करते हैं और उनकी मिसाइल को उनके ही पिछवाड़े में डाल देते हैं, जिससे कि होता है घंघोर ब्लास्ट और दुनिया इधर बच जाती है इतने बड़े मुसीबत से। और इधर अब ये टीम जो कि अलग हो गई थी इस कमीनी साइफर की वजह से, अब ये एक हो जाती है, जिसके बाद मूवी का दी एंड हो जाता है, जिसके बाद हम हैप्पी मोमेंट्स में देखते हैं कि सब अपने घर आ चुके थे और अब डोमिनिक का बच्चा भी उसके पास आ जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डोमिनिक और उसकी गर्लफ्रेंड लेटी। अब ये दोनों वहां से निकल रहे होते तभी वहां पर इसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि तुम्हारा एक भाई है जिसे यहाँ का गुंडा छेड़ रहा है और वो उसकी गाड़ी उठा के लेके जाने वाला है। वहीं पे डोमिनिक अपने भाई को बचाने के लिए उस पूरे क्यूबा के बड़े गुंडे जिसका नाम होता है रेल्डो उससे पंगा ले लेता है, और रेल्डो कहता है कि तेरे भाई ने मुझे जबान दी थी कि अगर वो रेस में हारेगा तो उसकी गाड़ी मेरी हो जाएगी, और अब वो ये रेस हार चुका है। तो डोमिनिक उसे कहता है कि इसमें लड़ने का क्या है, अगर तुझे लड़ना है तो तुम मुझसे लड़के दिखा, और फिर डोमिनिक अपनी खटारा गाड़ी के साथ में रेल्डो के साथ रेस लगाने को रेडी हो जाता है, जिसके पास मिसाइल की सबसे तेज गाड़ी थी। रेस को जीतने के लिए डोमिनिक अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है, और ये रेस बहुत ही इंटेंस होती है, लेकिन तभी डोमिनिक की कार में आग लग जाती है। लेकिन डोमिनिक जो कि अच्छा ड्राइवर था तो उसने इस रेस को उस खटारे गाड़ी के साथ ही जीत लिया, और जैसे कि जबान दी थी रेल्डो ने कि रेस जो जीतेगा गाड़ी उसकी होगी, तो वहां पर अब रेल्डो अपनी गाड़ी की चाबी डोमिनिक को देने लगता है और साथ ही में कहते हैं कि तुमने गाड़ी भी जीत ली और इसके साथ मेरा दिल भी जीत लिया। लेकिन तभी डोमिनिक कहते हैं कि गाड़ी तुम रखो, बस तुम्हारी ये दिलेरी मेरे काम की है, और वो वहां से अपनी गाड़ी अम्पाला अपने छोटे भाई को गिफ्ट करके चला जाता है। वही पे हमें दिखाया जाता है कि लैटी और डोमिनिक अपनी हनीमून की तैयारी कर रहे थे। वहीं अगले दिन जब वो मार्केट से सब्जी लेकर निकल रहा होता है तब उसे दिखता है कि एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई है, और जब वो उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हैकर होती है जिसका नाम होता है साइफर। और तब साइफर उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर सकती हूँ, क्योंकि साइफर को पता था कि डोमिनिक की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था एलिना उससे डोमिनिक का एक बच्चा हुआ था। तो साइफर उसे कहते कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं एलिना और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगी। वहीं पर अब हम देखते हैं इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर को जिसका नाम होता है हॉब्स। वो अपनी बेटी के फुटबॉल मैच के लिए अपने बेटे को जोश दिला रहा था, और वहीं पर एक गवर्नमेंट का आदमी आता है और उससे बताते कि कुछ लोगों की ईएमपी डिवाइस पर नजर है और तुम्हें उसको बचाना है। ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स की डिवाइस, जिससे कि एक ऐसी वेव निकलती है कि उसका एक वेव 4 से 6 मील तक के एरिया को सुन कर सकती है, यानी कि नो बिजली नो इलेक्ट्रिक डिवाइस। और तब जाके हॉब्स अपने टीम को कॉल लगा देता है और कहते हैं कि हमें ईएमपी को चोरी होने से रोकना होगा, और अब सारी की सारी टीम ईएमपी को अपने पास रख लेती है। लेकिन तभी वहां पे डोमिनिक उनके साथ गद्दारी कर देता है, क्योंकि अब डोमिनिक हाथ मिला चुका था साइफर के साथ, और इसी वजह से अब जेल हो जाती है हॉब्स को, और हॉब्स को बचाने के लिए वहां पे नोबडी एक चाल चलता है, जेल में काफी सारे गुंडों के दरवाजे खोल देता है, जिसकी वजह से हॉब्स निकल जाता है और वहीं पे शॉ भी निकल जाता है, जिसके बाद दोनों की एक फाइट होती है और फिर वहां से वो दोनों भाग जाते हैं। जिसके बाद हम डोमिनिक को देखते हैं, और यहां पर हमें डोमिनिक की एक्स बीवी भी दिखाई जाती है जिसका नाम था एलिना, और उसके बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम उन्होंने रखा था मार्कस। जिसके बाद हम साइफर को देखते हैं जो कि डोमिनिक को कहती है कि अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे डिफेंस मिनिस्टर से न्यूक्लियर कोर्स ला के दो ताकि मैं मिसाइल छोड़ सकूँ। मिसाइल्स इसलिए छोड़नी थी क्योंकि वो एक वन ऑफ द बेस्ट हैकर है और वो बहुत सारी चोरियां करना चाहती थी,
और उसको पुलिस ना रोक सके, जिसके लिए उसको खुद को सुपर स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहती थी ताकि उसके रास्ते में कोई ना आए। और वहाँ पर मिस्टर नोबडी साइफर को रोकने के लिए टीम बना रहा था जिसके लिए उसे डोमिनिक की टीम चाहिए थी, लेकिन वो जानता था कि उनके खिलाफ अब डोमिनिक खड़ा है, जिसके लिए उन्हें टीम में एक ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जो कि बिल्कुल डोमिनिक की तरह सोचता हो। जिसके बाद वो इस टीम में शॉ को लेने का डिसाइड करते हैं, और जैसे ही हॉप शॉ को देखता है, जिसके बाद दोनों के दिमाग का भोपला हो जाता है, जिसके बाद दोनों कहते हैं कि हम दोनों काम नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। लेकिन दुनिया को बचाने के लिए दोनों को काम करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इधर हम देखते हैं डोमिनिक को, वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी बच्चे पे कोई आ जाए, इसके लिए वो छुपके से मिलने जाता है शॉ की मम्मी से, क्योंकि वो जानता था कि शॉ की मम्मी एक बहुत बड़ी गुंडी है और वो इसके इस काम में हेल्प कर सकती है। जिसके बाद हम डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं जो कि अपने बुलेट प्रूफ कार में अपने हेडक्वार्टर्स में जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर साइफर अपनी हैकिंग स्किल से वहां पर रोड पर मौजूद 2 किलोमीटर की दूर में जितनी भी टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है सबको हैक कर लेती है, और उन सभी को हैक करके वो धड़ाधड़ मिनिस्टर के ऊपर ठोकने लगती है गाड़ी। उसके बाद में आता है डोमिनिक अपने हाथ में एक चेन सॉ लेके उसे जान से मारने के लिए, वो उसको एक मौका भी देता है, और वही मौका पाके डिफेंस मिनिस्टर अपने सारे न्यूक्लियर कोर्स डोमिनिक के हाथ में दे देता है, और यहाँ से डोमिनिक लेके निकलता है सारे न्यूक्लियर कोर्स को, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए आ जाती है उसकी खुद की टीम। लेकिन डोमिनिक तो डोमिनिक है, वो सभी को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाता है। लेकिन अब इधर हम एक सीन देखते हैं जिसमें उन सभी ने अपनी अपनी गाड़ी को डोमिनिक की गाड़ी पे अपना फंदा मार दिया था, जिसकी वजह से अब वो इधर ना जा पा रहा था ना उधर जा पा रहा था। ये सीन बहुत ही सेक्सी डायरेक्ट किया गया था और वल्ला सीच है, माँ कसम फाड़ू सीन था ये, जहाँ पे उसकी गाड़ी को खींचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं सब, लेकिन डोमिनिक की गाड़ी में डोमिनिक जैसा दम था तो वो कैसे करके खुद को वहां से निकाल लेता है और फिर पहुंच जाता है साइफर के लोकेशन पे। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि साइफर ने उसको कहा था कि तुम्हें उसकी नजर से गायब नहीं होना, लेकिन उसे पता चल जाता है कि डोमिनिक चुपके से साइफर की नजर से बच के वो जाके मिलता है शॉ की मम्मी से, और ये बात साइफर को पसंद नहीं आई। और अब दुख की बात ये होती है कि साइफर ने डोमिनिक की पत्नी को टपका देती है, जिसको देखकर डोमिनिक बहुत इमोशनल हो जाता है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था लेकिन वो मजबूर था क्योंकि उसका बच्चा अभी भी उसके पास था। वहीं दूसरी ओर अब डोमिनिक की टीम अब आ जाती है हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे नोबडी उन पे बहुत गुस्सा होता है और उनको बहुत सुनाता है, जिसके बाद उन्हें खोजबीन करते करते उन्हें पता चलता है कि अगला इंसिडेंट अब रशिया के वाल्डविन में होने वाला है। जैसा कि साइफर का प्लान है, एक तरफ तो डोमिनिक अपनी कार को मस्त रिपेयर करके आ जाता है रशिया के वाल्डविन में, वहीं पे उसका पीछा करते करते आ जाती है उसकी टीम, जहां पर हम देखते हैं कि डोमिनिक के पीछे लगा था ईएमपी डिवाइस, जिसे वो यूज करके 4-5 miles तक एरिया को ठप कर सकता था, जिसके बाद वो उसका यूज करता है, जिससे कि वहां के जितने भी रशियन मशीन्स होती है उन सभी का चूतिया कट जाता है और सब बंद पड़ जाते हैं। और वहां से वो अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सबमरीन के नीचे आ जाता है ताकि वो एक ईएमपी ब्लास्ट करेगा जिससे कि सबमरीन रिबूट होगा, और इधर साइफर को टाइम मिलेगा रशियन सर्वर को हैक करने के लिए और अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन मजा अब इधर ये आता है कि डोमिनिक की टीम साइफर के प्लान पर रशिया का ठंडा पानी डालने के लिए आ जाती है, जिसके बाद बहुत सारी फाइट्स कार चेजिंग टेंस सीन्स दिखाई जाती है और सब एक आदमी के पीछे पड़े थे जो कि डोमिनिक, और इसने अपने दिमाग से सबका छक्का छुड़ा दिया था। जहां पर ट्विस्ट अब ये आता है कि डोमिनिक के टक्कर का दिमाग का एक और आदमी था जिसका नाम था डेकन शॉ, वो आ जाता है साइफर के प्लेन में अपने भाई के साथ जिसका नाम था ओविन शॉ, जहां पर मार्कस यानी कि डोमिनिक का बच्चा मौजूद था, जिसके बाद शॉ उस बच्चे को बचा के पूरे प्लेन के आदमियों को अच्छे से पेल पाल करके वहां से फुर हो जाता है, और इधर से साइफर भी भाग जाती है। और अब जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसके बच्चे को बचा लिया गया तो वो अब अपनी टीम के साथ वापस रीयूनाइट हो जाता है, जिसके बाद अब ये समझ आता है कि साइफर की टीम के अब अच्छे से लगने वाली है, और अब दो दो टकले पेलने के फिराक में है साइफर की आर्मी को। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सबमरीन डोमिनिक की टीम के पीछे पड़ा था और वो सबमरीन से उनके ऊपर एक हीट रेजर मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन डोमिनिक भैया अपने बिना बाल वाले टकले के अंदर जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करते हैं और उनकी मिसाइल को उनके ही पिछवाड़े में डाल देते हैं, जिससे कि होता है घंघोर ब्लास्ट और दुनिया इधर बच जाती है इतने बड़े मुसीबत से। और इधर अब ये टीम जो कि अलग हो गई थी इस कमीनी साइफर की वजह से, कि अब ये एक हो जाती है, जिसके बाद मूवी का दी एंड हो जाता है, जिसके बाद हम हैप्पी मोमेंट्स में देखते हैं कि सब अपने घर आ चुके थे और अब डोमिनिक का बच्चा भी उसके पास आ जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डोमिनिक और उसकी गर्लफ्रेंड लेटी। अब ये दोनों वहां से निकल रहे होते तभी वहां पर इसके पास एक लड़की आती है और कहती कि तुम्हारा एक भाई है जिसे यहाँ का गुंडा छेड़ रहा है और वो उसकी गाड़ी उठा के लेके जाने वाला है। वहीं पे डोमिनिक अपने भाई को बचाने के लिए उस पूरे क्यूबा के बड़े गुंडे जिसका नाम होता है रेल्डो उससे पंगा ले लेता है, और रेल्डो कहता है कि तेरे भाई ने मुझे जबान दी थी कि अगर वो रेस में हारेगा तो उसकी गाड़ी मेरी हो जाएगी, और अब वो ये रेस हार चुका है। तो डोमिनिक उसे कहता है कि इसमें लड़ने का क्या है,
अगर तुझे लड़ना है तो तुम मुझसे लड़के दिखा। और फिर डोमनिक अपनी खटारा गाड़ी के साथ में रेनाल्डो के साथ रेस लगाने को रेडी हो जाता है, जिसके पास मिसाइल इनकी सबसे तेज गाड़ी थी। रेस को जीतने के लिए डोमनिक अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है। और ये रेस बहुत ही इंटेंस होती है, लेकिन तभी डोमनिक की कार में आग लग जाती है। लेकिन डोमनिक जो कि अच्छा ड्राइवर था, तो उसने इस रेस को उस खटारे गाड़ी के साथ ही जीत लिया। और जैसे कि जबान दी थी रेनाल्डो ने कि रेस जो जीतेगा गाड़ी उसकी होगी, तो वहाँ पर अब रेनाल्डो अपनी गाड़ी की चाबी डोमनिक को देने लगता है और साथ ही में कहते हैं कि तुमने गाड़ी भी जीत ली और इसके साथ मेरा दिल भी जीत लिया। लेकिन तभी डोमनिक कहते हैं कि गाड़ी तुम रखो, बस तुम्हारी ये दिलेरी मेरे काम की है। और वो वहाँ से अपनी गाड़ी अम्पाला अपने छोटे भाई को गिफ्ट करके चला जाता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि लैटी और डोमनिक अपनी हनीमून की तैयारी कर रहे थे। वहीं अगले दिन जब वो मार्केट से सब्जी लेकर निकल रहा होता है, तब उसे दिखता है कि एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई है। और जब वो उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी हैकर होती है, जिसका नाम होता है साइफर। और तब साइफर उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर सकती हूँ। क्योंकि साइफर को पता था कि डोमनिक की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम था एलिना, उससे डोमनिक का एक बच्चा हुआ था। तो साइफर उसे कहती कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं एलिना और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगी। वहीं पर अब हम देखते हैं इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है हॉब्स। वो अपनी बेटी के फुटबॉल मैच के लिए अपने बेटे को जोश दिला रहा था, और वहीं पर एक गवर्नमेंट का आदमी आता है और उससे बताते कि कुछ लोगों की ईएमपी डिवाइस पर नजर है और तुम्हें उसको बचाना है। EMP यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स की डिवाइस, जिससे कि एक ऐसी वेव निकलती है कि उसका एक वेव 4 से 6 मील तक के एरिया को सुन कर सकती है, यानी कि नो बिजली नो इलेक्ट्रिक डिवाइस। और तब जाके हॉब्स अपने टीम को कॉल लगा देता है और कहते हैं कि हमें EMP को चोरी होने से रोकना होगा। और अब सारी की सारी टीम EMP को अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे डोमनिक उनके साथ गद्दारी कर देता है, क्योंकि अब डोमनिक हाथ मिला चुका था साइफर के साथ, और इसी वजह से अब जेल हो जाती है हॉब्स को। और हॉब्स को बचाने के लिए वहाँ पे नोबडी एक चाल चलता है, जेल में काफ़ी सारे गुंडों के दरवाजे खोल देता है, जिसकी वजह से हॉब्स निकल जाता है और वहीं पे शॉ भी निकल जाता है, जिसके बाद दोनों की एक फाइट होती है और फिर वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। जिसके बाद हम डोमनिक को देखते हैं, और यहाँ पर हमें डोमनिक की एक्स बीवी भी दिखाई जाती है, जिसका नाम था एलिना, और उसके बच्चे को दिखाया जाता है, जिसका नाम उन्होंने रखा था मार्कस। जिसके बाद हम साइफर को देखते हैं, जो कि डोमनिक को कहती है कि अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे डिफेंस मिनिस्टर से न्यूक्लियर कोड्स ला के दो, ताकि मैं मिसाइल छोड़ सकूँ। मिसाइल्स इसलिए छोड़नी थी क्योंकि वो एक वन ऑफ द बेस्ट हैकर है, और वो बहुत सारी चोरियां करना चाहती थी, और उसको पुलिस ना रोक सके, जिसके लिए उसको खुद को सुपर स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहती थी, ताकि उसके रास्ते में कोई ना आए। और वहाँ पर मिस्टर नोबडी साइफर को रोकने के लिए टीम बना रहा था, जिसके लिए उसे डोमनिक की टीम चाहिए थी, लेकिन वो जानता था कि उनके खिलाफ अब डोमनिक खड़ा है, जिसके लिए उन्हें टीम में एक ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जो कि बिल्कुल डोमनिक की तरह सोचता हो। जिसके बाद वो इस टीम में शॉ को लेने का डिसाइड करते हैं, और जैसे ही हॉब शॉ को देखता है, जिसके बाद दोनों के दिमाग का भोपला हो जाता है, जिसके बाद दोनों कहते हैं कि हम दोनों काम नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। लेकिन दुनिया को बचाने के लिए दोनों को काम करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इधर हम देखते हैं डोमनिक को, वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी बच्चे पे कोई आ जाए, इसके लिए वो छुपके से मिलने जाता है शॉ की मम्मी से, क्योंकि वो जानता था कि शॉ की मम्मी एक बहुत बड़ी गुंडी है और वो इसके इस काम में हेल्प कर सकती है। जिसके बाद हम डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं, जो कि अपने बुलेट प्रूफ कार में अपने हेडक्वार्टर्स में जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर साइफर अपनी हैकिंग स्किल से वहाँ पर रोड पर मौजूद 2 किलोमीटर की दूर में जितनी भी टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है सबको हैक कर लेती है, और उन सभी को हैक करके वो धड़ाधड़ मिनिस्टर के ऊपर ठोकने लगती है गाड़ी। उसके बाद में आता है डोमनिक अपने हाथ में एक चेन सॉ लेके उसे जान से मारने के लिए, वो उसको एक मौका भी देता है, और वही मौका पाके डिफेंस मिनिस्टर अपने सारे न्यूक्लियर कोड्स डोमनिक के हाथ में दे देता है। और यहाँ से डोमनिक लेके निकलता है सारे न्यूक्लियर कोड्स को, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए आ जाती है उसकी खुद की टीम। लेकिन डोमनिक तो डोमनिक है, वो सभी को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाता है। लेकिन अब इधर हम एक सीन देखते हैं, जिसमें सभी ने अपनी अपनी गाड़ी को डोमनिक की गाड़ी पे अपना फंदा मार दिया था, जिसकी वजह से अब वो इधर ना जा पा रहा था ना उधर जा पा रहा था। ये सीन बहुत ही सेक्सी डायरेक्ट किया गया था, और वल्ला सीज है, माँ कसम फाड़ू सीन था ये, जहाँ पे उसकी गाड़ी को खींचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं सब, लेकिन डोमनिक की गाड़ी में डोमनिक जैसा दम था, तो वो कैसे करके खुद को वहाँ से निकाल लेता है और फिर पहुँच जाता है साइफर के लोकेशन पे। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा
सा प्रॉब्लम था कि साइफर ने उसको कहा था कि तुम्हें उसकी नज़र से गायब नहीं होना, लेकिन उसे पता चल जाता है कि टॉम ने चुपके से साइफर की नज़र से बच के वो जाके मिलता है शॉ की मम्मी से, और ये बात साइफर को पसंद नहीं आई। और अब दुख की बात ये होती है कि साइफर ने डोमिनिक की पत्नी को टपका देती है, जिसको देख कर डोमिनिक बहुत इमोशनल हो जाता है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि उसका बच्चा अभी भी उसके पास था। वहीं दूसरी ओर अब डोमिनिक की टीम अब आ जाती है हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे नोबडी उन पे बहुत गुस्सा होता है और उनको बहुत सुनाता है, जिसके बाद उन्हें खोजबीन करते करते उन्हें पता चलता है कि अगला इंसिडेंट अब रशिया के वाल्डविन में होने वाला है। जैसा कि साइफर का प्लान है, एक तरफ तो डोमिनिक अपनी कार को मस्त रिपेयर करके आ जाता है रशिया के वाल्डविन में, वहीं पे उसका पीछा करते करते आ जाती है उसकी टीम, जहाँ पर हम देखते हैं कि डोमिनिक के पीछे लगा था ईएमपी डिवाइस, जिसे वो यूज करके 4-5 miles तक एरिया को ठप कर सकता था, जिसके बाद वो उसका यूज करता है, जिससे कि वहाँ के जितने भी रशियन मशीन होती है उन सभी का चूतिया कट जाता है और सब बंद पड़ जाते हैं। और वहाँ से वो अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सबमरीन के नीचे आ जाता है, ताकि वो एक ईएमपी ब्लास्ट करेगा जिससे कि सबमरीन रिबूट होगा, और इधर साइफर को टाइम मिलेगा रशियन सर्वर को हैक करने के लिए और अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन मजा अब इधर ये आता है कि डोमिनिक की टीम साइफर के प्लान पर रशिया का ठंडा पानी डालने के लिए आ जाती है, जिसके बाद बहुत सारी फाइट्स, कार चेजिंग, टेंस सीन्स दिखाई जाती है, और सब एक आदमी के पीछे पड़े थे जो कि डोमिनिक, और इसने अपने दिमाग से सबका छक्का छुड़ा दिया था। जहां पर ट्विस्ट अब ये आता है कि डोमिनिक के टक्कर का दिमाग का एक और आदमी था जिसका नाम था डेकल शॉ। वो आ जाता है साइफर के प्लेन में अपने भाई के साथ जिसका नाम था ओविन शॉ, जहाँ पर मार्कस यानी कि डोमिनिक का बच्चा मौजूद था, जिसके बाद शॉ उस बच्चे को बचा के पूरे प्लेन के आदमियों को अच्छे से पेल पाल करके वहाँ से फुर हो जाता है, और इधर से साइफर भी भाग जाती है। और अब जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसके बच्चे को बचा लिया गया, तो वो अब अपनी टीम के साथ वापस रीयूनाइट हो जाता है, जिसके बाद अब ये समझ आता है कि साइफर की टीम के अब अच्छे से लगने वाली है, और अब दो दो टकले पेलने के फिराक में है साइफर की आर्मी को। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सबमरीन डोमिनिक की टीम के पीछे पड़ा था, और वो सबमरीन से उनके ऊपर एक हीट रेजर मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन डोमिनिक भैया अपने बिना बाल वाले टकले के अंदर जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करते हैं और उनकी मिसाइल को उनके ही पिछवाड़े में डाल देते हैं, जिससे कि होता है घंघोर ब्लास्ट और दुनिया इधर बच जाती है इतने बड़े मुसीबत से। और इधर अब ये टीम जो कि अलग हो गई थी इस कमीनी साइफर की वजह से, कि अब ये एक हो जाती है, जिसके बाद मूवी का दी एंड हो जाता है, जिसके बाद हम हैप्पी मोमेंट्स में देखते हैं कि सब अपने घर आ चुके थे और अब डोमिनिक का बच्चा भी उसके पास आ जाता है। वो ये रेस हार चुका है तो डोमिनिक उसे कहता है कि इसमें लड़ने का क्या है, अगर तुझे लड़ना है तो तुम मुझसे लड़के दिखा। और फिर डोमिनिक अपनी खटारा गाड़ी के साथ में रैल्डो के साथ रेस लगाने को रेडी हो जाता है, जिसके पास मिसाइलिन की सबसे तेज गाड़ी थी। रेस को जीतने के लिए डोमिनिक अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है, और ये रेस बहुत ही इंटेंस होती है। लेकिन तभी डोमिनिक की कार में आग लग जाती है, लेकिन डोमिनिक जो कि अच्छा ड्राइवर था तो उसने इस रेस को उस खटारे गाड़ी के साथ ही जीत लिया। और जैसे कि जबान दी थी रैल्डो ने कि रेस जो जीतेगा गाड़ी उसकी होगी, तो वहाँ पर अब रैल्डो अपनी गाड़ी की चाबी डोमिनिक को देने लगता है और साथ ही में कहते हैं कि तुमने गाड़ी भी जीत ली और उसके साथ मेरा दिल भी जीत लिया। लेकिन तभी डोमिनिक कहते हैं कि गाड़ी तुम रखो, बस तुम्हारी ये दिलेरी मेरे काम की है, और वो वहाँ से अपनी गाड़ी अम्पाला अपने छोटे भाई को गिफ्ट करके चला जाता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि लैटी और डोमिनिक अपनी हनीमून की तैयारी कर रहे थे। वहीं अगले दिन जब वो मार्केट से सब्जी लेकर निकल रहा होता है, तब उसे दिखता है कि एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई है, और जब वो उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हैकर होती है, जिसका नाम होता है साइफर। और तब साइफर उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर सकती हूँ, क्योंकि साइफर को पता था कि डोमिनिक की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था एलिना, उससे डोमिनिक का एक बच्चा हुआ था। तो साइफर उसे कहती कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं एलिना और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगी। वहीं पर अब हम देखते हैं इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है हॉब्स। वो अपनी बेटी के फुटबॉल मैच के लिए अपने बेटे को जोश दिला रहा था, और वहीं पर एक गवर्नमेंट का आदमी आता है और उससे बताते कि कुछ लोगों की ईएमपी डिवाइस पर नज़र है और तुम्हें उसको बचाना है। ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स की डिवाइस, जिससे कि एक ऐसी वेव निकलती है कि उसका एक वेव 4-6 miles तक के एरिया को सुन कर सकती है, यानी कि नो बिजली नो इलेक्ट्रिक डिवाइस।
और तब जाके हॉब्स अपने टीम को कॉल लगा देता है और कहते हैं कि हमें ईएमपी को चोरी होने से रोकना होगा। और अब सारी की सारी टीम ईएमपी को अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे डोमिनिक उनके साथ गद्दारी कर देता है क्योंकि अब डोमिनिक हाथ मिला चुका था साइफर के साथ, और इसी वजह से अब जेल हो जाती है हॉब्स को। और हॉब्स को बचाने के लिए वहाँ पे नोबडी एक चाल चलता है, जेल में काफ़ी सारे गुंडों के दरवाजे खोल देता है जिसकी वजह से हॉब्स निकल जाता है और वहीं पे शॉ भी निकल जाता है, जिसके बाद दोनों की एक फाइट होती है और फिर वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। जिसके बाद हम डोमिनिक को देखते हैं और यहाँ पर हमें डोमिनिक की एक्स बीवी भी दिखाई जाती है जिसका नाम था एलिना, और उसके बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम उन्होंने रखा था मार्कस। जिसके बाद हम साइफर को देखते हैं जो कि डोमिनिक को कहती है कि अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे डिफेंस मिनिस्टर से न्यूक्लियर कोड्स ला के दो ताकि मैं मिसाइल छोड़ सकूँ। मिसाइल्स इसलिए छोड़नी थी क्योंकि वो एक वन ऑफ द बेस्ट हैकर है और वो बहुत सारी चोरियां करना चाहती थी और उसको पुलिस ना रोक सके, जिसके लिए उसको खुद को सुपर स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहती थी ताकि उसके रास्ते में कोई ना आए। और वहाँ पर मिस्टर नोबडी साइफर को रोकने के लिए टीम बना रहा था जिसके लिए उसे डोमिनिक की टीम चाहिए थी, लेकिन वो जानता था कि उनके खिलाफ अब डोमिनिक खड़ा है, जिसके लिए उन्हें टीम में एक ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जो कि बिल्कुल डोमिनिक की तरह सोचता हो। जिसके बाद वो इस टीम में शॉ को लेने का डिसाइड करते हैं और जैसे ही हॉब शॉ को देखता है जिसके बाद दोनों के दिमाग का भोपला हो जाता है, जिसके बाद दोनों कहते हैं कि हम दोनों काम नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए दोनों को काम करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इधर हम देखते हैं डोमिनिक को, वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी बच्चे पे कोई आ जाए, इसके लिए वो छुपके से मिलने जाता है शॉ की मम्मी से क्योंकि वो जानता था कि शॉ की मम्मी एक बहुत बड़ी गुंडी है और वो इसके इस काम में हेल्प कर सकती है। जिसके बाद हम डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं जो कि अपने बुलेट प्रूफ कार में अपने हेडक्वार्टर्स में जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर साइफर अपनी हैकिंग स्किल से वहाँ पर रोड पर मौजूद 2 किलोमीटर की दूर में जितनी भी टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है सबको हैक कर लेती है, और उन सभी को हैक करके वो धड़ाधड़ मिनिस्टर के ऊपर ठोकने लगती है गाड़ी। उसके बाद में आता है डोमिनिक अपने हाथ में एक चेन सॉ लेके उसे जान से मारने के लिए, वो उसको एक मौका भी देता है और वही मौका पाके डिफेंस मिनिस्टर अपने सारे न्यूक्लियर कोर्स डोमिनिक के हाथ में दे देता है और यहाँ से डोमिनिक लेके निकलता है सारे न्यूक्लियर कोर्स को, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए आ जाती है उसकी खुद की टीम। लेकिन डोमिनिक तो डोमिनिक है, वो सभी को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाता है, लेकिन अब इधर हम एक सीन देखते हैं जिसमें सभी ने अपनी अपनी गाड़ी को डोमिनिक की गाड़ी पे अपना फंदा मार दिया था जिसकी वजह से अब वो इधर ना जा पा रहा था ना उधर जा पा रहा था। ये सीन बहुत ही सेक्सी डायरेक्ट किया गया था और वल्ला सीच है, माँ कसम फाड़ू सीन था ये, जहाँ पे उसकी गाड़ी को खींचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं सब, लेकिन डोमिनिक की गाड़ी में डोमिनिक जैसा दम था तो वो कैसे करके खुद को वहाँ से निकाल लेता है और फिर पहुँच जाता है साइफर के लोकेशन पे। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि साइफर ने उसको कहा था कि तुम्हें उसकी नज़र से गायब नहीं होना, लेकिन उसे पता चल जाता है कि डोमिनिक चुपके से साइफर की नज़र से बच के वो जाके मिलता है शॉ की मम्मी से, और ये बात साइफर को पसंद नहीं आई। और अब दुख की बात ये होती है कि साइफर ने डोमिनिक की पत्नी को टपका देती है, जिसको देख कर डोमिनिक बहुत इमोशनल हो जाता है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था लेकिन वो मजबूर था क्योंकि उसका बच्चा अभी भी उसके पास था। वहीं दूसरी ओर अब डोमिनिक की टीम अब आ जाती है हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे नोबडी उन पे बहुत गुस्सा होता है और उनको बहुत सुनाता है, जिसके बाद उन्हें खोजबीन करते करते उन्हें पता चलता है कि अगला इंसिडेंट अब रशिया के वाल्डविन में होने वाला है। जैसा कि साइफर का प्लान है, एक तरफ तो डोमिनिक अपनी कार को मस्त रिपेयर करके आ जाता है रशिया के वाल्डविन में, वहीं पे उसका पीछा करते करते आ जाती है उसकी टीम, जहाँ पर हम देखते हैं कि डोमिनिक के पीछे लगा था ईएमपी डिवाइस जिसे वो यूज करके 4-5 माइल्स तक एरिया को ठप कर सकता था, जिसके बाद उसका यूज करता है जिससे कि वहाँ के जितने भी रशियन मशीन्स होती है उन सभी का चूतिया कट जाता है और सब बंद पड़ जाते हैं। और वहाँ से वो अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सबमरीन के नीचे आ जाता है ताकि वो एक ईएमपी ब्लास्ट करेगा जिससे कि सबमरीन रिबूट होगा, और इधर साइफर को टाइम मिलेगा रशियन सर्वर को हैक करने के लिए और अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन मजा अब इधर ये आता है कि डोमिनिक की टीम साइफर के प्लान पर रशिया का ठंडा पानी डालने के लिए आ जाती है, जिसके बाद बहुत सारी फाइट्स कार चेजिंग टेंस सीन्स दिखाई जाती है और सब एक आदमी के पीछे पड़े थे जो कि डोमिनिक, और इसने अपने दिमाग से सबका छक्का छुड़ा दिया था। जहां पर ट्विस्ट अब ये आता है कि डोमिनिक के टक्कर का दिमाग का एक और आदमी था जिसका नाम था डेकल शॉ, वो आ जाता है साइफर के प्लेन में अपने भाई के साथ जिसका नाम था ओविन शॉ, जहाँ पर मार्कस यानी कि डोमिनिक का बच्चा मौजूद था, जिसके बाद शॉ उस बच्चे को बचा के पूरे प्लेन के आदमियों को अच्छे से पेल पाल करके वहाँ से फुर हो जाता है, और इधर से साइफर भी भाग जाती है। और अब जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसके बच्चे को बचा लिया गया तो वो अब अपनी टीम के साथ वापस रीयूनाइट हो जाता है, जिसके बाद अब ये समझ आता है कि साइफर की टीम के बच्चे से लगने वाली है और अब दो दो टकले पेलने के फिराक में है साइफर की आर्मी को। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सबमरीन डोमिनिक की टीम के पीछे पड़ा था और वो सबमरीन से उनके ऊपर एक हीट रेजर मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन डोमिनिक भैया अपने
बिना बाल वाले टकले के अंदर जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करते हैं और उनकी मिसाइल को उनके ही पिछवाड़े में डाल देते हैं, जिससे कि होता है घंघोर ब्लास्ट और दुनिया इधर बच जाती है इतने बड़े मुसीबत से। और इधर अब ये टीम जो कि अलग हो गई थी इस कमीनी साइफर की वजह से, अब ये एक हो जाती है, जिसके बाद मूवी का दी एंड हो जाता है। जिसके बाद हम हैप्पी मोमेंट्स में देखते हैं कि सब अपने घर आ चुके थे और अब डोमिनिक का बच्चा भी उसके पास आ जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डोमिनिक और उसकी गर्लफ्रेंड लेटी। अब ये दोनों वहाँ से निकल रहे होते तभी वहाँ पर इसके पास एक लड़की आती है और कहती कि तुम्हारा एक भाई है जिसे यहाँ का गुंडा छेड़ रहा है और वो उसकी गाड़ी उठा के लेके जाने वाला है। वहीं पे डोमिनिक अपने भाई को बचाने के लिए उस पूरे क्यूबा के बड़े गुंडे जिसका नाम होता है रेल्डो उससे पंगा ले लेता है। और रेल्डो कहता है कि तेरे भाई ने मुझे जबान दी थी कि अगर वो रेस में हारेगा तो उसकी गाड़ी मेरी हो जाएगी। और अब वो ये रेस हार चुका है तो डोमिनिक उसे कहता है कि इसमें लड़ने का क्या है, अगर तुझे लड़ना है तो तुम मुझसे लड़के दिखा। और फिर डोमिनिक अपनी खटारा गाड़ी के साथ में रेल्डो के साथ रेस लगाने को रेडी हो जाता है, जिसके पास मिसाइल इनकी सबसे तेज गाड़ी थी। रेस को जीतने के लिए डोमिनिक अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है। और ये रेस बहुत ही इंटेंस होती है, लेकिन तभी डोमिनिक की कार में आग लग जाती है। लेकिन डोमिनिक जो कि अच्छा ड्राइवर था तो उसने इस रेस को उस खटारे गाड़ी के साथ ही जीत लिया। और जैसे कि जबान दी थी रेल्डो ने कि रेस जो जीतेगा गाड़ी उसकी होगी, तो वहाँ पर अब रेल्डो अपनी गाड़ी की चाबी डोमिनिक को देने लगता है और साथ ही में कहता है कि तुमने गाड़ी भी जीत ली और इसके साथ मेरा दिल भी जीत लिया। लेकिन तभी डोमिनिक कहता है कि गाड़ी तुम रखो, बस तुम्हारी ये दिलेरी मेरे काम की है। और वो वहाँ से अपनी गाड़ी अम्पाला अपने छोटे भाई को गिफ्ट करके चला जाता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि लैटी और डोमिनिक अपनी हनीमून की तैयारी कर रहे थे। वहीं अगले दिन जब वो मार्केट से सब्जी लेकर निकल रहा होता है तब उसे दिखता है कि एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई है। और जब वो उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हैकर होती है जिसका नाम होता है साइफर। और तब साइफर उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर सकती हूँ। क्योंकि साइफर को पता था कि डोमिनिक की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था एलिना, उससे डोमिनिक का एक बच्चा हुआ था। तो साइफर उसे कहते कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं एलिना और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगी। वहीं पर अब हम देखते हैं इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर को जिसका नाम होता है हॉब्स। वो अपनी बेटी के फुटबॉल मैच के लिए अपने बेटे को जोश दिला रहा था और वहीं पर एक गवर्नमेंट का आदमी आता है और उससे बताता है कि कुछ लोगों की ईएमपी डिवाइस पर नजर है और तुम्हें उसको बचाना है। ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स की डिवाइस, जिससे कि एक ऐसी वेव निकलती है कि उसका एक वेव 4 से 6 मील तक के एरिया को सुन कर सकती है, यानी कि नो बिजली नो इलेक्ट्रिक डिवाइस। और तब जाके हॉब्स अपने टीम को कॉल लगा देता है और कहते हैं कि हमें ईएमपी को चोरी होने से रोकना होगा। और अब सारी की सारी टीम ईएमपी को अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे डोमिनिक उनके साथ गद्दारी कर देता है क्योंकि अब डोमिनिक हाथ मिला चुका था साइफर के साथ। और इसी वजह से अब जेल हो जाती है हॉब्स को। और हॉब्स को बचाने के लिए वहाँ पे नोबडी एक चाल चलता है, जेल में काफ़ी सारे गुंडों के दरवाजे खोल देता है जिसकी वजह से हॉब्स निकल जाता है और वहीं पे शॉ भी निकल जाता है, जिसके बाद दोनों की एक फाइट होती है और फिर वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। जिसके बाद हम डोमिनिक को देखते हैं और यहाँ पर हमें डोमिनिक की एक्स बीवी भी दिखाई जाती है जिसका नाम था एलिना, और उसके बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम उन्होंने रखा था मार्कस। जिसके बाद हम साइफर को देखते हैं जो कि डोमिनिक को कहती है कि अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे डिफेंस मिनिस्टर से न्यूक्लियर कोर्स ला के दो ताकि मैं मिसाइल छोड़ सकूँ। मिसाइल्स इसलिए छोड़नी थी क्योंकि वो एक वन ऑफ द बेस्ट हैकर है और वो बहुत सारी चोरियां करना चाहती थी और उसको पुलिस ना रोक सके, जिसके लिए उसको खुद को सुपर स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहती थी ताकि उसके रास्ते में कोई ना आए। और वहाँ पर मिस्टर नोबडी साइफर को रोकने के लिए टीम बना रहा था जिसके लिए उसे डोमिनिक की टीम चाहिए थी, लेकिन वो जानता था कि उनके खिलाफ अब डोमिनिक खड़ा है, जिसके लिए उन्हें टीम में एक ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जो कि बिल्कुल डोमिनिक की तरह सोचता हो। जिसके बाद वो इस टीम में शॉ को लेने का डिसाइड करते हैं और जैसे ही हॉब शॉ को देखता है जिसके बाद दोनों के दिमाग का भोपला हो जाता है, जिसके बाद दोनों कहते हैं कि हम दोनों काम नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। लेकिन दुनिया को बचाने के लिए दोनों को काम करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इधर हम देखते हैं डोमिनिक को, वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी बच्चे पे कोई आ जाए, इसके लिए वो छुपके से मिलने जाता है शॉ की मम्मी से, क्योंकि वो जानता था कि शॉ की मम्मी एक बहुत बड़ी गुंडी है और वो इसकी इस काम में हेल्प कर सकती है। जिसके बाद हम डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं जो कि अपने बुलेट प्रूफ कार में अपने हेडक्वार्टर्स में जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर साइफर अपनी हैकिंग स्किल से वहाँ पर रोड पर मौजूद 2 किलोमीटर की दूर में जितनी भी टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है सबको हैक कर लेती है और उन सभी को हैक करके वो धड़ाधड़ मिनिस्टर के ऊपर ठोकने लगती है गाड़ी। उसके बाद में आता है डोमिनिक अपने हाथ में एक चेन सॉ लेके उसे जान से मारने के लिए। वो उसको एक मौका भी देता है और वही मौका पाके डिफेंस मिनिस्टर अपने सारे न्यूक्लियर कोर्स डोमिनिक के हाथ में दे देता है और यहाँ से डोमिनिक लेके निकलता है सारे न्यूक्लियर कोर्स को, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए आ जाती है उसकी खुद की टीम।
लेकिन डोमिनिक तो डोमिनिक है, वो सभी को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाता है। लेकिन अब इधर हम एक सीन देखते हैं जिसमें सभी ने अपनी अपनी गाड़ी को डोमिनिक की गाड़ी पे अपना फंदा मार दिया था, जिसकी वजह से अब वो इधर ना जा पा रहा था ना उधर जा पा रहा था। ये सीन बहुत ही सेक्सी डायरेक्ट किया गया था और वल्ला सीच है, माँ कसम फाड़ू सीन था ये, जहाँ पे उसकी गाड़ी को खींचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं सब, लेकिन डोमिनिक की गाड़ी में डोमिनिक जैसा दम था तो वो कैसे करके खुद को वहाँ से निकाल लेता है और फिर पहुँच जाता है साइफर के लोकेशन पे। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि साइफर ने उसको कहा था कि तुम्हें उसकी नज़र से गायब नहीं होना, लेकिन उसे पता चल जाता है कि डोमिनिक चुपके से साइफर की नज़र से बच के वो जाके मिलता है शॉ की मम्मी से, और ये बात साइफर को पसंद नहीं आई। और अब दुख की बात ये होती है कि साइफर ने डोमिनिक की पत्नी को टपका देती है, जिसको देख कर डोमिनिक बहुत इमोशनल हो जाता है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था लेकिन वह मजबूर था क्योंकि उसका बच्चा अभी भी उसके पास था। वहीं दूसरी ओर अब डोमिनिक की टीम अब आ जाती है हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे नोबडी उन पे बहुत गुस्सा होता है और उनको बहुत सुनाता है, जिसके बाद उन्हें खोजबीन करते करते उन्हें पता चलता है कि अगला इंसिडेंट अब रशिया के वाल्डविन में होने वाला है। जैसा कि साइफर का प्लान है, एक तरफ तो डोमिनिक अपनी कार को मस्त रिपेयर करके आ जाता है रशिया के वाल्डविन में, वहीं पे उसका पीछा करते करते आ जाती है उसकी टीम, जहाँ पर हम देखते कि डोमिनिक के पीछे लगा था ईएमपी डिवाइस, जिसे वो यूज करके 4-5 माइल्स तक एरिया को ठप कर सकता था, जिसके बाद उसका यूज करता है, जिससे कि वहाँ के जितने भी रशियन मशीन होती है उन सभी का चूतिया कट जाता है और सब बंद पड़ जाते हैं। और वहाँ से वो अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सबमरीन के नीचे आ जाता है, ताकि वो एक ईएमपी ब्लास्ट करेगा जिससे कि सबमरीन रिबूट होगा, और इधर साइफर को टाइम मिलेगा रशियन सर्वर को हैक करने के लिए और अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन मजा अब इधर ये आता है कि डोमिनिक की टीम साइफर के प्लान पर रशिया का ठंडा पानी डालने के लिए आ जाती है, जिसके बाद बहुत सारी फाइट्स, कार चेज, इंटेंस सीन्स दिखाई जाती है और सब एक आदमी के पीछे पड़े थे जो कि डोमिनिक, और इसने अपने दिमाग से सबका छक्का छुड़ा दिया था। जहां पर ट्विस्ट अब ये आता है कि डोमिनिक के टक्कर का दिमाग का एक और आदमी था जिसका नाम था डेकन शॉ। वो आ जाता है साइफर के प्लेन में अपने भाई के साथ जिसका नाम था ओविन शॉ, जहाँ पर मार्कस यानी कि डोमिनिक का बच्चा मौजूद था, जिसके बाद शॉ उस बच्चे को बचा के पूरे प्लेन के आदमियों को अच्छे से पेल पाल करके वहाँ से फुर हो जाता है, और इधर से साइफर भी भाग जाती है। और अब जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसके बच्चे को बचा लिया गया, तो वो अब अपनी टीम के साथ वापस रीयूनाइट हो जाता है, जिसके बाद अब ये समझ आता है कि साइफर की टीम के अब अच्छे से लगने वाली है, और अब दो दो टकले पेलने के फिराक में है साइफर की आर्मी को। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सबमरीन डोमिनिक की टीम के पीछे पड़ा था, और वो सबमरीन से उनके ऊपर एक हीट रेजर मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन डोमिनिक भैया अपने बिना बाल वाले टकले के अंदर जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करते हैं और उनकी मिसाइल को उनके ही पिछवाड़े में डाल देते हैं, जिससे कि होता है घंघोर ब्लास्ट और दुनिया इधर बच जाती है इतने बड़े मुसीबत से। और इधर अब ये टीम जो कि अलग हो गई थी इस कमीनी साइफर की वजह से, अब ये एक हो जाती है, जिसके बाद मूवी का दी एंड हो जाता है, जिसके बाद हम हैप्पी मोमेंट्स में देखते हैं कि सब अपने घर आ चुके थे और अब डोमिनिक का बच्चा भी उसके पास आ जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डोमिनिक और उसकी गर्लफ्रेंड लेटी। अब ये दोनों वहाँ से निकल रहे होते तभी वहाँ पर इसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि तुम्हारा एक भाई है जिसे यहाँ का गुंडा छेड़ रहा है और वो उसकी गाड़ी उठा के लेके जाने वाला है। वहीं पे डोमिनिक अपने भाई को बचाने के लिए उस पूरे क्यूबा के बड़े गुंडे जिसका नाम होता है रेल्डो उससे पंगा ले लेता है, और रेल्डो कहता है कि तेरे भाई ने मुझे जबान दी थी कि अगर वो रेस में हारेगा तो उसकी गाड़ी मेरी हो जाएगी, और अब वो ये रेस हार चुका है। तो डोमिनिक उसे कहता है कि इसमें लड़ने का क्या है, अगर तुझे लड़ना है तो तुम मुझसे लड़के दिखा, और फिर डोमिनिक अपनी खटारा गाड़ी के साथ में रेल्डो के साथ रेस लगाने को रेडी हो जाता है, जिसके पास मिसाइल इनकी सबसे तेज गाड़ी थी। रेस को जीतने के लिए डोमिनिक अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है और ये रेस बहुत ही इंटेंस होती है, लेकिन तभी डोमिनिक की कार में आग लग जाती है। लेकिन डोमिनिक जो कि अच्छा ड्राइवर था तो उसने इस रेस को उस खटारे गाड़ी के साथ ही जीत लिया, और जैसे कि जबान दी थी रेल्डो ने कि रेस जो जीतेगा गाड़ी उसकी होगी, तो वहाँ पर अब रेल्डो अपनी गाड़ी की चाबी डोमिनिक को देने लगता है और साथ ही में कहता है कि तुमने गाड़ी भी जीत ली और उसके साथ मेरा दिल भी जीत लिया। लेकिन तभी डोमिनिक कहता है कि गाड़ी तुम रखो, बस तुम्हारी ये दिलेरी मेरे काम की है, और वो वहाँ से अपनी गाड़ी अम्पाला अपने छोटे भाई को गिफ्ट करके चला जाता है। वही भी हमें दिखाया जाता है कि लैटी और डोमिनिक अपनी हनीमून की तैयारी कर रहे थे। वहीं अगले दिन जब वो मार्केट से सब्जी लेकर निकल रहा होता है तब उसे दिखता है कि एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई है, और जब वो उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हैकर होती है जिसका नाम होता है साइफर। और तब साइफर उसे कहते कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर सकती हूँ, क्योंकि साइफर को पता था कि डोमिनिक की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था एलिना उससे डोमिनिक का एक बच्चा हुआ था। तो साइफर उसे कहते कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं एलिना और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगी।
वहीं पर अब हम देखते हैं इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर को जिसका नाम होता है हॉब्स। वो अपनी बेटी के फुटबॉल मैच के लिए अपने बेटे को जोश दिला रहा था और वहीं पर एक गवर्नमेंट का आदमी आता है और उससे बताते कि कुछ लोगों की ईएमपी डिवाइस पे नजर है और तुम्हें उसको बचाना है। ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स की डिवाइस, जिससे कि एक ऐसी वेव निकलती है कि उसका एक वेव 4 से 6 मील तक के एरिया को सुन कर सकती है, यानी कि नो बिजली नो इलेक्ट्रिक डिवाइस। और तब जाके हॉब्स अपने टीम को कॉल लगा देता है और कहते हैं कि हमें ईएमपी को चोरी होने से रोकना होगा। और अब सारी की सारी टीम ईएमपी को अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे डोमिनिक उनके साथ गद्दारी कर देता है क्योंकि अब डोमिनिक हाथ मिला चुका था साइफर के साथ और इसी वजह से अब जेल हो जाती है हॉब्स को। और हॉब्स को बचाने के लिए वहाँ पे नोबडी एक चाल चलता है, जेल में काफ़ी सारे गुंडों के दरवाजे खोल देता है जिसकी वजह से हॉब्स निकल जाता है और वहीं पे शॉ भी निकल जाता है, जिसके बाद दोनों की एक फाइट होती है और फिर वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। जिसके बाद हम डोमिनिक को देखते हैं और यहाँ पर हमें डोमिनिक की एक्स बीवी भी दिखाई जाती है जिसका नाम था एलिना, और उसके बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम उन्होंने रखा था मार्कस। जिसके बाद हम साइफर को देखते हैं जो कि डोमिनिक को कहती है कि अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे डिफेंस मिनिस्टर से न्यूक्लियर कोड्स ला के दो ताकि मैं मिसाइल छोड़ सकूँ। मिसाइल्स इसलिए छोड़नी थी क्योंकि वो एक वन ऑफ द बेस्ट हैकर है और वो बहुत सारी चोरियां करना चाहती थी और उसको पुलिस ना रोक सके, जिसके लिए उसको खुद को सुपर स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहती थी ताकि उसके रास्ते में कोई ना आए। और वहाँ पर मिस्टर नोबडी साइफर को रोकने के लिए टीम बना रहा था जिसके लिए उसे डोमिनिक की टीम चाहिए थी, लेकिन वो जानता था कि उनके खिलाफ अब डोमिनिक खड़ा है, जिसके लिए उन्हें टीम में एक ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जो कि बिल्कुल डोमिनिक की तरह सोचता हो। जिसके बाद वो इस टीम में शॉ को लेने का डिसाइड करते हैं और जैसे ही हॉब शॉ को देखता है जिसके बाद दोनों के दिमाग का भोपला हो जाता है, जिसके बाद दोनों कहते हैं कि हम दोनों काम नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए दोनों को काम करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इधर हम देखते हैं डोमिनिक को, वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी बच्चे पे कोई आ जाए, इसके लिए वो छुपके से मिलने जाता है शॉ की मम्मी से क्योंकि वो जानता था कि शॉ की मम्मी एक बहुत बड़ी गुंडी है और वो इसके इस काम में हेल्प कर सकती है। जिसके बाद हम डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं जो कि अपने बुलेट प्रूफ कार में अपने हेडक्वार्टर्स में जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर साइफर अपनी हैकिंग स्किल से वहाँ पर रोड पर मौजूद 2 किलोमीटर की दूर में जितनी भी टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है सबको हैक कर लेती है और उन सभी को हैक करके वो धड़ाधड़ मिनिस्टर के ऊपर ठोकने लगती है गाड़ी। उसके बाद में आता है डोमिनिक अपने हाथ में एक चेन सॉ लेके उसे जान से मारने के लिए, वो उसको एक मौका भी देता है और वही मौका पाके डिफेंस मिनिस्टर अपने सारे न्यूक्लियर कोर्स डोमिनिक के हाथ में दे देता है और यहाँ से डोमिनिक लेके निकलता है सारे न्यूक्लियर कोर्स को, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए आ जाती है उसकी खुद की टीम। लेकिन डोमिनिक तो डोमिनिक है, वो सभी को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाता है। लेकिन अब इधर हम एक सीन देखते हैं जिसमें सभी ने अपनी अपनी गाड़ी को डोमिनिक की गाड़ी पे अपना फंदा मार दिया था, जिसकी वजह से अब वो इधर ना जा पा रहा था ना उधर जा पा रहा था। ये सीन बहुत ही सेक्सी डायरेक्ट किया गया था और वल्ला सीन है, माँ कसम फाड़ू सीन था ये, जहाँ पे उसकी गाड़ी को खींचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं सब, लेकिन डोमिनिक की गाड़ी में डोमिनिक जैसा दम था तो वो कैसे करके खुद को वहाँ से निकाल लेता है और फिर पहुँच जाता है साइफर के लोकेशन पे। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि साइफर ने उसको कहा था कि तुम्हें उसकी नज़र से गायब नहीं होना, लेकिन उसे पता चल जाता है कि डोमिनिक चुपके से साइफर की नज़र से बच के वो जाके मिलता है शॉ की मम्मी से और ये बात साइफर को पसंद नहीं आई। और अब दुख की बात ये होती है कि साइफर ने डोमिनिक की पत्नी को टपका देती है, जिसको देख कर डोमिनिक बहुत इमोशनल हो जाता है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था लेकिन वो अब मजबूर था क्योंकि उसका बच्चा अभी भी उसके पास था। वहीं दूसरी ओर अब डोमिनिक की टीम अब आ जाती है हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे नोबडी उन पे बहुत गुस्सा होता है और उनको बहुत सुनाता है, जिसके बाद उन्हें खोजबीन करते करते उन्हें पता चलता है कि अगला इंसिडेंट अब रशिया के वाल्डविन में होने वाला है। जैसा कि साइफर का प्लान है, एक तरफ तो डोमिनिक अपनी कार को मस्त रिपेयर करके आ जाता है रशिया के वाल्डविन में, वहीं पे उसका पीछा करते करते आ जाती है उसकी टीम, जहाँ पर हम देखते कि डोमिनिक के पीछे लगा था ईएमपी डिवाइस जिसे वो यूज करके 4-5 माइल्स तक एरिया को ठप कर सकता था, जिसके बाद वो उसका यूज करता है जिससे कि वहाँ के जितने भी रशियन मशीन होती है उन सभी का चूतिया कट जाता है और सब बंद पड़ जाते हैं। और वहाँ से वो अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सबमरीन के नीचे आ जाता है ताकि वो एक ईएमपी ब्लास्ट करेगा जिससे कि सबमरीन रिबूट होगा और इधर साइफर को टाइम मिलेगा रशियन सर्वर को हैक करने के लिए और अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन मजा अब इधर ये आता है कि डोमिनिक की टीम साइफर के प्लान पर रशिया का ठंडा पानी डालने के लिए आ जाती है, जिसके बाद बहुत सारी फाइट्स कार चेज इंटेंस सीन्स दिखाई जाती है और सब एक आदमी के पीछे पड़ते जो कि डोमिनिक, और इसने अपने दिमाग से सबका छक्का छुड़ा दिया था। जहाँ पर ट्विस्ट अब ये आता है कि डोमिनिक के टक्कर का दिमाग का एक और आदमी था जिसका नाम था डेकल शॉ, वो आ जाता है साइफर के प्लेन में अपने भाई के साथ जिसका नाम था ओविन शॉ, जहाँ पर मार्कस यानी कि डोमिनिक का बच्चा मौजूद था, जिसके बाद शॉ उस बच्चे को बचा के पूरे प्लेन के आदमियों को अच्छे से पेल पाल करके
वहाँ से फुर हो जाता है और इधर से साइफर भी भाग जाती है। और अब जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसके बच्चे को बचा लिया गया तो वो अब अपनी टीम के साथ वापस रीयूनाइट हो जाता है, जिसके बाद अब ये समझ आता है कि साइफर की टीम के अब अच्छे से लगने वाली है और अब दो दो टकले पेलने के फिराक में है साइफर की आर्मी को। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सबमरीन डोमिनिक की टीम के पीछे पड़ा था और वो सबमरीन से उनके ऊपर एक हीट रेजर मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन डोमिनिक भैया अपने बिना बाल वाले टकले के अंदर जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करते हैं और उनकी मिसाइल को उनके ही पिछवाड़े में डाल देते हैं, जिससे कि होता है घंघोर ब्लास्ट और दुनिया इधर बच जाती है इतने बड़े मुसीबत से। और इधर अब ये टीम जो कि अलग हो गई थी इस कमीनी साइफर की वजह से, अब ये एक हो जाती है, जिसके बाद मूवी का दी एंड हो जाता है। जिसके बाद हम हैप्पी मोमेंट्स में देखते हैं कि सब अपने घर आ चुके थे और अब डोमिनिक का बच्चा भी उसके पास आ जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डोमिनिक और उसकी गर्लफ्रेंड लेटी। अब ये दोनों वहाँ से निकल रहे होते तभी वहाँ पर इसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि तुम्हारा एक भाई है जिसे यहाँ का गुंडा छेड़ रहा है और वो उसकी गाड़ी उठा के लेके जाने वाला है। वहीं पे डोमिनिक अपने भाई को बचाने के लिए उस पूरे क्यूबा के बड़े गुंडे जिसका नाम होता है रेल्डो उससे पंगा ले लेता है। और रेल्डो कहता है कि तेरे भाई ने मुझे जबान दी थी कि अगर वो रेस में हारेगा तो उसकी गाड़ी मेरी हो जाएगी, और अब वो ये रेस हार चुका है। तो डोमिनिक उसे कहता है कि इसमें लड़ने का क्या है, अगर तुझे लड़ना है तो तुम मुझसे लड़के दिखा। और फिर डोमिनिक अपनी खटारा गाड़ी के साथ में रेल्डो के साथ रेस लगाने को रेडी हो जाता है, जिसके पास मिसाइल की सबसे तेज गाड़ी थी। रेस को जीतने के लिए डोमिनिक अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है और ये रेस बहुत ही इंटेंस होती है। लेकिन तभी डोमिनिक की कार में आग लग जाती है, लेकिन डोमिनिक जो कि अच्छा ड्राइवर था तो उसने इस रेस को उस खटारे गाड़ी के साथ ही जीत लिया। और जैसे कि जबान दी थी रेल्डो ने कि रेस जो जीतेगा गाड़ी उसकी होगी, तो वहाँ पर अब रेल्डो अपनी गाड़ी की चाबी डोमिनिक को देने लगता है और साथ ही में कहता है कि तुमने गाड़ी भी जीत ली और इसके साथ मेरा दिल भी जीत लिया। लेकिन तभी डोमिनिक कहता है कि गाड़ी तुम रखो, बस तुम्हारी ये दिलेरी मेरे काम की है। और वो वहाँ से अपनी गाड़ी अम्पाला अपने छोटे भाई को गिफ्ट करके चला जाता है। वही भी हमें दिखाया जाता है कि लैटी और डोमिनिक अपने हनीमून की तैयारी कर रहे थे। वहीं अगले दिन जब वो मार्केट से सब्जी लेकर निकल रहा होता है तब उसे दिखता है कि एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई है, और जब वो उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हैकर होती है जिसका नाम होता है साइफर। और तब साइफर उसे कहते कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर सकती हूँ, क्योंकि साइफर को पता था कि डोमिनिक की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था एलिना उससे डोमिनिक का एक बच्चा हुआ था। तो साइफर उसे कहती कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं एलिना और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगी। वहीं पर अब हम देखते हैं इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर को जिसका नाम होता है हॉब्स। वो अपनी बेटी के फुटबॉल मैच के लिए अपने बेटे को जोश दिला रहा था और वहीं पर एक गवर्नमेंट का आदमी आता है और उससे बताते कि कुछ लोगों की ईएमपी डिवाइस पे नजर है और तुम्हें उसको बचाना है। ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स की डिवाइस, जिससे कि एक ऐसी वेव निकलती है कि उसका एक वेव 4 से 6 मील तक के एरिया को सुन कर सकती है, यानी कि नो बिजली नो इलेक्ट्रिक डिवाइस। और तब जाके हॉब्स अपने टीम को कॉल लगा देता है और कहते हैं कि हमें ईएमपी को चोरी होने से रोकना होगा। और अब सारी की सारी टीम ईएमपी को अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे डोमिनिक उनके साथ गद्दारी कर देता है क्योंकि अब डोमिनिक हाथ मिला चुका था साइफर के साथ और इसी वजह से अब जेल हो जाती है हॉब्स को। और हॉब्स को बचाने के लिए वहाँ पे नोबडी एक चाल चलता है, जेल में काफ़ी सारे गुंडों के दरवाजे खोल देता है जिसकी वजह से हॉब्स निकल जाता है और वहीं पे शॉ भी निकल जाता है, जिसके बाद दोनों की एक फाइट होती है और फिर वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। जिसके बाद हम डोमिनिक को देखते हैं और यहाँ पर हमें डोमिनिक की एक्स बीवी भी दिखाई जाती है जिसका नाम था एलिना, और उसके बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम उन्होंने रखा था मार्कस। जिसके बाद हम साइफर को देखते हैं जो कि डोमिनिक को कहती है कि अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे डिफेंस मिनिस्टर से न्यूक्लियर कोड्स ला के दो ताकि मैं मिसाइल छोड़ सकूँ। मिसाइल्स इसलिए छोड़नी थी क्योंकि वो एक वन ऑफ द बेस्ट हैकर है और वो बहुत सारी चोरियां करना चाहती थी और उसको पुलिस ना रोक सके, जिसके लिए उसको खुद को सुपर स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहती थी ताकि उसके रास्ते में कोई ना आए। और वहाँ पर मिस्टर नोबडी साइफर को रोकने के लिए टीम बना रहा था जिसके लिए उसे डोमिनिक की टीम चाहिए थी, लेकिन वो जानता था कि उनके खिलाफ अब डोमिनिक खड़ा है, जिसके लिए उन्हें टीम में एक ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जो कि बिल्कुल डोमिनिक की तरह सोचता हो। जिसके बाद वो इस टीम में शॉ को लेने का डिसाइड करते हैं और जैसे ही हॉब शॉ को देखता है जिसके बाद दोनों के दिमाग का भोपला हो जाता है, जिसके बाद दोनों कहते हैं कि हम दोनों काम नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए दोनों को काम करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इधर हम देखते हैं डोमिनिक को, वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी बच्चे पे कोई आ जाए,
इसके लिए वो छुपके से मिलने जाता है शॉ की मम्मी से, क्योंकि वो जानता था कि शॉ की मम्मी एक बहुत बड़ी गुंडी है और वो इसके इस काम में हेल्प कर सकती है। जिसके बाद हम डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं जो कि अपने बुलेट प्रूफ कार में अपने हेडक्वार्टर्स में जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर साइफर अपनी हैकिंग स्किल से वहां पर रोड पर मौजूद 2 किलोमीटर की दूर में जितनी भी टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है सबको हैक कर लेती है, और उन सभी को हैक करके वो धड़ाधड़ मिनिस्टर के ऊपर ठोकने लगती है गाड़ी। उसके बाद में आता है डोमिनिक अपने हाथ में एक चेन सॉ लेके उसे जान से मारने के लिए, वो उसको एक मौका भी देता है और वही मौका पाके डिफेंस मिनिस्टर अपने सारे न्यूक्लियर कोर्स डोमिनिक के हाथ में दे देता है, और यहाँ से डोमिनिक लेके निकलता है सारे न्यूक्लियर कोर्स को, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए आ जाती है उसकी खुद की टीम। लेकिन डोमिनिक तो डोमिनिक है, वो सभी को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाता है। लेकिन अब इधर हम एक सीन देखते हैं जिसमें सभी ने अपनी अपनी गाड़ी को डोमिनिक की गाड़ी पे अपना फंदा मार दिया था, जिसकी वजह से अब वो इधर ना जा पा रहा था ना उधर जा पा रहा था। ये सीन बहुत ही सेक्सी डायरेक्ट किया गया था और पल्ला सीच है, माँ कसम फाड़ू सीन था ये, जहाँ पे उसकी गाड़ी को खींचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं सब, लेकिन डोमिनिक की गाड़ी में डोमिनिक जैसा दम था तो वो कैसे करके खुद को वहां से निकाल लेता है और फिर पहुंच जाता है साइफर के लोकेशन पे। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि साइफर ने उसको कहा था कि तुम्हें उसकी नजर से गायब नहीं होना, लेकिन उसे पता चल जाता है कि डोमिनिक चुपके से साइफर की नजर से बच के वो जाके मिलता है शॉ की मम्मी से, और ये बात साइफर को पसंद नहीं आई। और अब दुख की बात ये होती है कि साइफर ने डोमिनिक की पत्नी को टपका देती है, जिसको देख कर डोमिनिक बहुत इमोशनल हो जाता है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था लेकिन वो अब मजबूर था क्योंकि उसका बच्चा अभी भी उसके पास था। वहीं दूसरी ओर अब डोमिनिक की टीम अब आ जाती है हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे नोबडी उन पे बहुत गुस्सा होता है और उनको बहुत सुनाता है, जिसके बाद उन्हें खोजबीन करते करते उन्हें पता चलता है कि अगला इंसिडेंट अब रशिया के वाल्डविन में होने वाला है। जैसा कि साइफर का प्लान है, एक तरफ तो डोमिनिक अपनी कार को मस्त रिपेयर करके आ जाता है रशिया के वाल्डविन में, वहीं पे उसका पीछा करते करते आ जाती है उसकी टीम, जहां पर हम देखते हैं कि डोमिनिक के पीछे लगा था ईएमपी डिवाइस, जिसे वो यूज करके 4-5 माइल्स तक एरिया को ठप कर सकता था, जिसके बाद वो उसका यूज करता है जिससे कि वहां के जितने भी रशियन मशीन होती है उन सभी का चूतिया कट जाता है और सब बंद पड़ जाते हैं, और वहां से वो अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सबमरीन के नीचे आ जाता है ताकि वो एक ईएमपी ब्लास्ट करेगा जिससे कि सबमरीन रिबूट होगा, और इधर साइफर को टाइम मिलेगा रशियन सर्वर को हैक करने के लिए और अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन मजा अब इधर ये आता है कि डोमिनिक की टीम साइफर के प्लान पर रशिया का ठंडा पानी डालने के लिए आ जाती है, जिसके बाद बहुत सारी फाइट्स कार चेज इंटेंस सीन्स दिखाई जाती है और सब एक आदमी के पीछे पड़े थे जो कि डोमिनिक, और इसने अपने दिमाग से सबका छक्का छुड़ा दिया था। जहां पर ट्विस्ट अब ये आता है कि डोमिनिक के टक्कर का दिमाग का एक और आदमी था जिसका नाम था डेकन शॉ, वो आ जाता है साइफर के प्लेन में अपने भाई के साथ जिसका नाम था ओविन शॉ, जहां पर मार्कस यानी कि डोमिनिक का बच्चा मौजूद था, जिसके बाद शॉ उस बच्चे को बचा के पूरे प्लेन के आदमियों को अच्छे से पेल पाल करके वहां से फुर हो जाता है, और इधर से साइफर भी भाग जाती है। और अब जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसके बच्चे को बचा लिया गया तो वो अब अपनी टीम के साथ वापस रीयूनाइट हो जाता है, जिसके बाद अब ये समझ आता है कि साइफर की टीम के अब अच्छे से लगने वाली है और अब दो दो टकले पेलने के फिराक में है साइफर की आर्मी को। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सबमरीन डोमिनिक की टीम के पीछे पड़ा था और वो सबमरीन से उनके ऊपर एक हीट रेजर मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन डोमिनिक भैया अपने बिना बाल वाले टकले के अंदर जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करते हैं और उनकी मिसाइल को उनके ही पिछवाड़े में डाल देते हैं, जिससे कि होता है घंघोर ब्लास्ट और दुनिया इधर बच जाती है इतने बड़े मुसीबत से। और इधर अब ये टीम जो कि अलग हो गई थी इस कमीनी साइफर की वजह से, अब ये एक हो जाती है, जिसके बाद मूवी का दी एंड हो जाता है, जिसके बाद हम हैप्पी मोमेंट्स में देखते हैं कि सब अपने घर आ चुके थे और अब डोमिनिक का बच्चा भी उसके पास आ जाता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डोमिनिक और उसकी गर्लफ्रेंड लेटी। अब ये दोनों वहां से निकल रहे होते तभी वहां पर इसके पास एक लड़की आती है और कहती कि तुम्हारा एक भाई है जिसे यहाँ का गुंडा छेड़ रहा है और वो उसकी गाड़ी उठा के लेके जाने वाला है। वहीं पे डोमिनिक अपने भाई को बचाने के लिए उस पूरे क्यूबा के बड़े गुंडे जिसका नाम होता है रेल्डो उससे पंगा ले लेता है, और रेल्डो कहता है कि तेरे भाई ने मुझे जबान दी थी कि अगर वो रेस में हारेगा तो उसकी गाड़ी मेरी हो जाएगी, और अब वो ये रेस हार चुका है तो डोमिनिक उसे कहता है कि इसमें लड़ने का क्या है, अगर तुझे लड़ना है तो तुम मुझसे लड़के दिखा। और फिर डोमिनिक अपनी खटारा गाड़ी के साथ में रेल्डो के साथ रेस लगाने को रेडी हो जाता है, जिसके पास मिसाइलिन की सबसे तेज गाड़ी थी। रेस को जीतने के लिए डोमिनिक अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है और ये रेस बहुत ही इंटेंस होती है, लेकिन तभी डोमिनिक की कार में आग लग जाती है। लेकिन डोमिनिक जो कि अच्छा ड्राइवर था तो उसने इस रेस को उस खटारे गाड़ी के साथ ही जीत लिया, और जैसे कि जबान दी थी रेल्डो ने
कि रेस जो जीतेगा गाड़ी उसकी होगी। तो वहाँ पर अब रेनाल्डो अपनी गाड़ी की चाबी डोमिनिक को देने लगता है और साथ ही में कहते हैं कि तुमने गाड़ी भी जीत ली और उसके साथ मेरा दिल भी जीत लिया। लेकिन तभी डोमिनिक कहते हैं कि गाड़ी तुम रखो, बस तुम्हारी ये दिलेरी मेरे काम की है। और वो वहाँ से अपनी गाड़ी अम्पाला अपने छोटे भाई को गिफ्ट करके चला जाता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि लैटी और डोमिनिक अपनी हनीमून की तैयारी कर रहे थे। वहीं अगले दिन जब वो मार्केट से सब्जी लेकर निकल रहा होता है तब उसे दिखता है कि एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई है। और जब वो उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हैकर होती है जिसका नाम होता है साइफर। और तब साइफर उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर सकती हूँ। क्योंकि साइफर को पता था कि डोमिनिक की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था एलिना, उससे डोमिनिक का एक बच्चा हुआ था। तो साइफर उसे कहते कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं एलिना और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगी। वहीं पर अब हम देखते हैं इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर को जिसका नाम होता है हॉब्स। वो अपनी बेटी के फुटबॉल मैच के लिए अपने बेटे को जोश दिला रहा था और वहीं पर एक गवर्नमेंट का आदमी आता है और उससे बताते कि कुछ लोगों की ईएमपी डिवाइस पर नज़र है और तुम्हें उसको बचाना है। ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स की डिवाइस, जिससे कि एक ऐसी वेव निकलती है कि उसका एक वेव 4 से 6 मील तक के एरिया को सुन कर सकती है, यानी कि नो बिजली नो इलेक्ट्रिक डिवाइस। और तब जाके हॉब्स अपने टीम को कॉल लगा देता है और कहते हैं कि हमें ईएमपी को चोरी होने से रोकना होगा। और अब सारी की सारी टीम ईएमपी को अपने पास रख लेती है। लेकिन तभी वहाँ पे डोमिनिक उनके साथ गद्दारी कर देता है क्योंकि अब डोमिनिक हाथ मिला चुका था साइफर के साथ और इसी वजह से अब जेल हो जाती है हॉब्स को। और हॉब्स को बचाने के लिए वहाँ पे नोबडी एक चाल चलता है, जेल में काफ़ी सारे गुंडों के दरवाजे खोल देता है जिसकी वजह से हॉब्स निकल जाता है और वहीं पे शॉ भी निकल जाता है, जिसके बाद दोनों की एक फाइट होती है और फिर वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। जिसके बाद हम डोमिनिक को देखते हैं और यहाँ पर हमें डोमिनिक की एक्स बीवी भी दिखाई जाती है जिसका नाम था एलिना और उसके बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम उन्होंने रखा था मार्कस। जिसके बाद हम साइफर को देखते हैं जो कि डोमिनिक को कहती है कि अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे डिफेंस मिनिस्टर से न्यूक्लियर कोर्स ला के दो ताकि मैं मिसाइल छोड़ सकूँ। मिसाइल्स इसलिए छोड़नी थी क्योंकि वो एक वन ऑफ द बेस्ट हैकर है और वो बहुत सारी चोरियां करना चाहती थी और उसको पुलिस ना रोक सके, जिसके लिए उसको खुद को सुपर स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहती थी ताकि उसके रास्ते में कोई ना आए। और वहाँ पर मिस्टर नोबडी साइफर को रोकने के लिए टीम बना रहा था जिसके लिए उसे डोमिनिक की टीम चाहिए थी, लेकिन वो जानता था कि उनके खिलाफ अब डोमिनिक खड़ा है, जिसके लिए उन्हें टीम में एक ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जो कि बिल्कुल डोमिनिक की तरह सोचता हो। जिसके बाद वो इस टीम में शॉ को लेने का डिसाइड करते हैं और जैसे ही हॉब शॉ को देखता है जिसके बाद दोनों के दिमाग का भोपला हो जाता है, जिसके बाद दोनों कहते हैं कि हम दोनों काम नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। लेकिन दुनिया को बचाने के लिए दोनों को काम करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इधर हम देखते हैं डोमिनिक को वो नहीं चाहता था कि उसकी भी बच्चे पे कोई आ जाए, इसके लिए वो छुपके से मिलने जाता है शॉ की मम्मी से क्योंकि वो जानता था कि शॉ की मम्मी एक बहुत बड़ी गुंडी है और वो इसके इस काम में हेल्प कर सकती है। जिसके बाद हम डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं जो कि अपने बुलेट प्रूफ कार में अपने हेडक्वार्टर्स में जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर साइफर अपनी हैकिंग स्किल से वहाँ पर रोड पर मौजूद 2 किलोमीटर की दूर में जितनी भी टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है सबको हैक कर लेती है और उन सभी को हैक करके वो धड़ाधड़ मिनिस्टर के ऊपर ठोकने लगती है गाड़ी। उसके बाद में आता है डोमिनिक अपने हाथ में एक चेन सॉ लेके उसे जान से मारने के लिए। वो उसको एक मौका भी देता है और वही मौका पाके डिफेंस मिनिस्टर अपने सारे न्यूक्लियर कोर्स डोमिनिक के हाथ में दे देता है और यहाँ से डोमिनिक लेके निकलता है सारे न्यूक्लियर कोर्स को, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए आ जाती है उसकी खुद की टीम। लेकिन डोमिनिक तो डोमिनिक है, वो सभी को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाता है। लेकिन अब इधर हम एक सीन देखते हैं जिसमें उन सभी ने अपनी अपनी गाड़ी को डोमिनिक की गाड़ी पे अपना फंदा मार दिया था, जिसकी वजह से अब वो इधर ना जा पा रहा था ना उधर जा पा रहा था। ये सीन बहुत ही सेक्सी डायरेक्ट किया गया था और वल्ला सीच है, माँ कसम फाड़ू सीन था ये, जहाँ पे उसकी गाड़ी को खींचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं सब, लेकिन डोमिनिक की गाड़ी में डोमिनिक जैसा दम था तो वो कैसे करके खुद को वहाँ से निकाल लेता है और फिर पहुँच जाता है साइफर के लोकेशन पे। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि साइफर ने उसको कहा था कि तुम्हें उसकी नज़र से गायब नहीं होना, लेकिन उसे पता चल जाता है कि डोमिनिक चुपके से साइफर की नज़र से बच के वो जाके मिलता है शॉ की मम्मी से और ये बात साइफर को पसंद नहीं आई। और अब दुख की बात ये होती है कि साइफर ने डोमिनिक की पत्नी को टपका देती है, जिसको देख कर डोमिनिक बहुत इमोशनल हो जाता है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था लेकिन वो मजबूर था क्योंकि उसका बच्चा अभी भी उसके पास था। वहीं दूसरी ओर अब डोमिनिक की टीम अब आ जाती है हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे नोबडी उन पे बहुत गुस्सा होता है और उनको बहुत सुनाता है, जिसके बाद उन्हें खोजबीन करते करते उन्हें पता चलता है कि अगला इंसिडेंट अब रशिया के वाल्डविन में होने वाला है। जैसा कि साइफर का प्लान है, एक तरफ तो डोमिनिक अपनी कार को मस्त रिपेयर करके आ जाता है रशिया के वाल्डविन में, वहीं पे उसका पीछा करते करते आ जाती है उसकी टीम, जहाँ पर हम देखते हैं कि डोमिनिक के पीछे लगा
था EMP डिवाइस जिसे वो यूज करके 4-5 miles तक एरिया को ठप कर सकता था, जिसके बाद वो उसका यूज करता है जिससे कि वहाँ के जितने भी रशियन मशीन होती है उन सभी का चूतिया कट जाता है और सब बंद पड़ जाते हैं। और वहाँ से वो अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सबमरीन के नीचे आ जाता है ताकि वो एक EMP ब्लास्ट करेगा जिससे कि सबमरीन रिबूट होगा और इधर साइफर को टाइम मिलेगा रशियन सर्वर को हैक करने के लिए और अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन मजा अब इधर ये आता है कि डोमिनिक की टीम साइफर के प्लान पर रशिया का ठंडा पानी डालने के लिए आ जाती है, जिसके बाद बहुत सारी फाइट्स कार चेज इंटेंस सीन्स दिखाई जाती है और सब एक आदमी के पीछे पड़े थे जो कि डोमिनिक, और इसने अपने दिमाग से सबका छक्का छुड़ा दिया था। जहां पर ट्विस्ट अब ये आता है कि डोमिनिक के टक्कर का दिमाग का एक और आदमी था जिसका नाम था डेकल शॉ। वो आ जाता है साइफर के प्लेन में अपने भाई के साथ जिसका नाम था ओविन शॉ, जहाँ पर मार्कस यानी कि डोमिनिक का बच्चा मौजूद था, जिसके बाद शॉ उस बच्चे को बचा के पूरे प्लेन के आदमियों को अच्छे से पेल पाल करके वहाँ से फुर हो जाता है और इधर से साइफर भी भाग जाती है। और अब जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसके बच्चे को बचा लिया गया तो वो अब अपनी टीम के साथ वापस रीयूनाइट हो जाता है, जिसके बाद अब ये समझ आता है कि साइफर की टीम के अब अच्छे से लगने वाली है और अब दो दो टकले पेलने के फिराक में है साइफर की आर्मी को। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सबमरीन डोमिनिक की टीम के पीछे पड़ा था और वो सबमरीन से उनके ऊपर एक हीट रेजर मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन डोमिनिक भैया अपने बिना बाल वाले टकले के अंदर जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करते हैं और उनकी मिसाइल को उनके ही पिछवाड़े में डाल देते हैं, जिससे कि होता है घंघोर ब्लास्ट और दुनिया इधर बच जाती है इतने बड़े मुसीबत से। और इधर अब ये टीम जो कि अलग हो गई थी इस कमीनी साइफर की वजह से कि अब ये एक हो जाती है, जिसके बाद मूवी का दी एंड हो जाता है, जिसके बाद हम हैप्पी मोमेंट्स में देखते हैं कि सब अपने घर आ चुके थे और अब डोमिनिक का बच्चा भी उसके पास आ जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डोमिनिक और उसकी गर्लफ्रेंड लेटी। अब ये दोनों वहाँ से निकल रहे होते तभी वहाँ पर इसके पास एक लड़की आती है और कहती कि तुम्हारा एक भाई है जिसे यहाँ का गुंडा छेड़ रहा है और वो उसकी गाड़ी उठा के लेके जाने वाला है। वहीं पे डोमिनिक अपने भाई को बचाने के लिए उस पूरे क्यूबा के बड़े गुंडे जिसका नाम होता है रेल्डो उससे पंगा ले लेता है और रेल्डो कहता है कि तेरे भाई ने मुझे जबान दी थी कि अगर वो रेस में हारेगा तो उसकी गाड़ी मेरी हो जाएगी, और अब वो ये रेस हार चुका है तो डोमिनिक उसे कहता है कि इसमें लड़ने का क्या है, अगर तुझे लड़ना है तो तुम मुझसे लड़के दिखा। और फिर डोमिनिक अपनी खटारा गाड़ी के साथ में रेल्डो के साथ रेस लगाने को रेडी हो जाता है, जिसके पास मिसाइलिन की सबसे तेज गाड़ी थी। रेस को जीतने के लिए डोमिनिक अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है और ये रेस बहुत ही इंटेंस होती है, लेकिन तभी डोमिनिक की कार में आग लग जाती है। लेकिन डोमिनिक जो कि अच्छा ड्राइवर था तो उसने इस रेस को उस खटारे गाड़ी के साथ ही जीत लिया, और जैसे कि जबान दी थी रेल्डो ने कि रेस जो जीतेगा गाड़ी उसकी होगी, तो वहाँ पर अब रेल्डो अपनी गाड़ी की चाबी डोमिनिक को देने लगता है और साथ ही में कहते हैं कि तुमने गाड़ी भी जीत ली और इसके साथ मेरा दिल भी जीत लिया। लेकिन तभी डोमिनिक कहते हैं कि गाड़ी तुम रखो, बस तुम्हारी ये दिलेरी मेरे काम की है, और वो वहाँ से अपनी गाड़ी अम्पाला अपने छोटे भाई को गिफ्ट करके चला जाता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि लैटी और डोमिनिक अपनी हनीमून की तैयारी कर रहे थे। वहीं अगले दिन जब वो मार्केट से सब्जी लेकर निकल रहा होता है तब उसे दिखता है कि एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई है, और जब वो उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हैकर होती है जिसका नाम होता है साइफर। और तब साइफर उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर सकती हूँ, क्योंकि साइफर को पता था कि डोमिनिक की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था एलिना उससे डोमिनिक का एक बच्चा हुआ था। तो साइफर उसे कहती कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं एलिना और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगी। वहीं पर अब हम देखते हैं इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर को जिसका नाम होता है हॉब्स। वो अपनी बेटी के फुटबॉल मैच के लिए अपनी बेटी को जोश दिला रहा था और वहीं पर एक गवर्नमेंट का आदमी आता है और उससे बताते कि कुछ लोगों की EMP डिवाइस पर नजर है और तुम्हें उसको बचाना है। EMP यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स की डिवाइस, जिससे कि एक ऐसी वेव निकलती है कि उसका एक वेव 4 से 6 mil तक के एरिया को सुन कर सकती है, यानी कि नो बिजली नो इलेक्ट्रिक डिवाइस। और तब जाके हॉब्स अपने टीम को कॉल लगा देता है और कहते हैं कि हमें EMP को चोरी होने से रोकना होगा, और अब सारी की सारी टीम EMP को अपने पास रख लेती है। लेकिन तभी वहाँ पे डोमिनिक उनके साथ गद्दारी कर देता है, क्योंकि अब डोमिनिक हाथ मिला चुका था साइफर के साथ और इसी वजह से अब जेल हो जाती है हॉब्स को, और हॉब्स को बचाने के लिए वहाँ पे नोबडी एक चाल चलता है, जेल में काफ़ी सारे गुंडों के दरवाजे खोल देता है जिसकी वजह से हॉब्स निकल जाता है और वहीं पे शॉ भी निकल जाता है, जिसके बाद दोनों की एक फाइट होती है और फिर वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। जिसके बाद हम डोमिनिक को देखते हैं और यहाँ पर हमें डोमिनिक की एक्स बीवी भी दिखाई जाती है जिसका नाम था एलिना, और उसके बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम उन्होंने रखा था मार्कस। जिसके बाद हम साइफर को देखते हैं जो कि डोमिनिक को कहती है कि अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे डिफेंस मिनिस्टर से न्यूक्लियर कोड्स ला के दो ताकि मैं मिसाइल छोड़ सकूँ। मिसाइल्स इसलिए छोड़नी थी क्योंकि वो एक वन ऑफ द बेस्ट हैकर है और वो बहुत सारी चोरियां करना चाहती थी, और उसको पुलिस ना रोक सके जिसके लिए उसको खुद को सुपर
स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहती थी ताकि उसके रास्ते में कोई ना आए। और वहाँ पर मिस्टर नोबडी साइफर को रोकने के लिए टीम बना रहा था जिसके लिए उसे डोमिनिक की टीम चाहिए थी, लेकिन वो जानता था कि उनके खिलाफ अब डोमिनिक खड़ा है, जिसके लिए उन्हें टीम में एक ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जो कि बिल्कुल डोमिनिक की तरह सोचता हो। जिसके बाद वो इस टीम में शॉ को लेने का डिसाइड करते हैं, और जैसे ही हॉब शॉ को देखता है जिसके बाद दोनों के दिमाग का भोपला हो जाता है, जिसके बाद दोनों कहते हैं कि हम दोनों काम नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। लेकिन दुनिया को बचाने के लिए दोनों को काम करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इधर हम देखते हैं डोमिनिक को, वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी बच्चे पे कोई आ जाए। इसके लिए वो छुपके से मिलने जाता है शॉ की मम्मी से, क्योंकि वो जानता था कि शॉ की मम्मी एक बहुत बड़ी गुंडी है और वो इसके इस काम में हेल्प कर सकती है। जिसके बाद हम डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं जो कि अपने बुलेट प्रूफ कार में अपने हेडक्वार्टर्स में जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर साइफर अपनी हैकिंग स्किल से वहाँ पर रोड पर मौजूद 2 किलोमीटर की दूर में जितनी भी टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है सबको हैक कर लेती है, और उन सभी को हैक करके वो धड़ाधड़ मिनिस्टर के ऊपर ठोकने लगती है गाड़ी। उसके बाद में आता है डोमिनिक अपने हाथ में एक चेन सॉ लेके उसे जान से मारने के लिए। वो उसको एक मौका भी देता है, और वही मौका पाके डिफेंस मिनिस्टर अपने सारे न्यूक्लियर कोर्स डोमिनिक के हाथ में दे देता है, और यहाँ से डोमिनिक लेके निकलता है सारे न्यूक्लियर कोर्स को, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए आ जाती है उसकी खुद की टीम। लेकिन डोमिनिक तो डोमिनिक है, वो सभी को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाता है। लेकिन अब इधर हम एक सीन देखते हैं जिसमें सभी ने अपनी अपनी गाड़ी को डोमिनिक की गाड़ी पे अपना फंदा मार दिया था, जिसकी वजह से अब वो इधर ना जा पा रहा था ना उधर जा पा रहा था। ये सीन बहुत ही सेक्सी डायरेक्ट किया गया था, और वल्ला सीज है, माँ कसम फाड़ू सीन था ये, जहाँ पे उसकी गाड़ी को खींचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं सब, लेकिन डोमिनिक की गाड़ी में डोमिनिक जैसा दम था, तो वो कैसे करके खुद को वहाँ से निकाल लेता है और फिर पहुँच जाता है साइफर के लोकेशन पे। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि साइफर ने उसको कहा था कि तुम्हें उसकी नज़र से गायब नहीं होना, लेकिन उसे पता चल जाता है कि डोमिनिक चुपके से साइफर की नज़र से बच के वो जाके मिलता है शॉ की मम्मी से, और ये बात साइफर को पसंद नहीं आई। और अब दुख की बात ये होती है कि साइफर ने डोमिनिक की पत्नी को टपका देती है, जिसको देख कर डोमिनिक बहुत इमोशनल हो जाता है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि उसका बच्चा अभी भी उसके पास था। वहीं दूसरी ओर अब डोमिनिक की टीम अब आ जाती है हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे नोबडी उन पे बहुत गुस्सा होता है और उनको बहुत सुनाता है, जिसके बाद उन्हें खोजबीन करते करते उन्हें पता चलता है कि अगला इंसिडेंट अब रशिया के वाल्डविन में होने वाला है। जैसा कि साइफर का प्लान है, एक तरफ तो डोमिनिक अपनी कार को मस्त रिपेयर करके आ जाता है रशिया के वाल्डविन में, वहीं पे उसका पीछा करते करते आ जाती है उसकी टीम, जहाँ पर हम देखते हैं कि डोमिनिक के पीछे लगा था EMP डिवाइस, जिसे वो यूज करके 4-5 माइल्स तक एरिया को ठप कर सकता था, जिसके बाद वो उसका यूज करता है, जिससे कि वहाँ के जितने भी रशियन मशीन्स होती है उन सभी का चूतिया कट जाता है और सब बंद पड़ जाते हैं। और वहाँ से वो अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सबमरीन के नीचे आ जाता है, ताकि वो एक EMP ब्लास्ट करेगा जिससे कि सबमरीन रिबूट होगा, और इधर साइफर को टाइम मिलेगा रशियन सर्वर को हैक करने के लिए और अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन मजा अब इधर ये आता है कि डोमिनिक की टीम साइफर के प्लान पर रशिया का ठंडा पानी डालने के लिए आ जाती है, जिसके बाद बहुत सारी फाइट्स, कार चेजिंग, टेंस सीन्स दिखाई जाती है, और सब एक आदमी के पीछे पड़े थे जो कि डोमिनिक, और इसने अपने दिमाग से सबका छक्का छुड़ा दिया था। जहाँ पर ट्विस्ट अब ये आता है कि डोमिनिक के टक्कर का दिमाग का एक और आदमी था जिसका नाम था डेकल शॉ। वो आ जाता है साइफर के प्लेन में अपने भाई के साथ जिसका नाम था ओविन शॉ, जहाँ पर मार्कस यानी कि डोमिनिक का बच्चा मौजूद था, जिसके बाद शॉ उस बच्चे को बचा के पूरे प्लेन के आदमियों को अच्छे से पेल पाल करके वहाँ से फुर हो जाता है, और इधर से साइफर भी भाग जाती है। और अब जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसके बच्चे को बचा लिया गया, तो वो अब अपनी टीम के साथ वापस रीयूनाइट हो जाता है, जिसके बाद अब ये समझ आता है कि साइफर की टीम के अब अच्छे से लगने वाली है, और अब दो दो टकले पेलने के फिराक में है साइफर की आर्मी को। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सबमरीन डोमिनिक की टीम के पीछे पड़ा था, और वो सबमरीन से उनके ऊपर एक हीट रेजर मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन डोमिनिक भैया अपने बिना बाल वाले टकले के अंदर जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करते हैं और उनकी मिसाइल को उनके ही पिछवाड़े में डाल देते हैं, जिससे कि होता है घंघोर ब्लास्ट, और दुनिया इधर बच जाती है इतने बड़े मुसीबत से। और इधर अब ये टीम जो कि अलग हो गई थी इस कमीनी साइफर की वजह से, कि अब ये एक हो जाती है, जिसके बाद मूवी का दी एंड हो जाता है, जिसके बाद हम हैप्पी मोमेंट्स में देखते हैं कि सब अपने घर आ चुके थे और अब डोमिनिक का बच्चा भी उसके पास आ जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डोमिनिक और उसकी गर्लफ्रेंड लेटी। अब ये दोनों वहाँ से निकल रहे होते, तभी वहाँ पर इसके पास एक लड़की आती है और कहती कि तुम्हारा एक भाई है जिसे यहाँ का गुंडा छेड़ रहा है, और वो उसकी गाड़ी उठा के लेके जाने वाला है। वहीं पे डोमिनिक अपने भाई को बचाने के लिए उस पूरे क्यूबा के बड़े गुंडे जिसका नाम होता है रेल्डो, उससे पंगा ले लेता है, और रेल्डो कहता है कि तेरे भाई ने मुझे जबान दी थी कि अगर वो रेस में हारेगा तो उसकी गाड़ी मेरी हो जाएगी, और अब वो ये रेस हार चुका है। तो डोमिनिक उसे कहता है कि इसमें लड़ने का क्या है,
अगर तुझे लड़ना है तो तुम मुझसे लड़के दिखा। और फिर डोमनिक अपनी खटारा गाड़ी के साथ में रेनाल्डो के साथ रेस लगाने को रेडी हो जाता है, जिसके पास मिसाइल इनकी सबसे तेज गाड़ी थी। रेस को जीतने के लिए डोमनिक अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है। और ये रेस बहुत ही इंटेंस होती है, लेकिन तभी डोमनिक की कार में आग लग जाती है। लेकिन डोमनिक जो कि अच्छा ड्राइवर था, तो उसने इस रेस को उस खटारे गाड़ी के साथ ही जीत लिया। और जैसे कि जबान दी थी रेनाल्डो ने कि रेस जो जीतेगा गाड़ी उसकी होगी, तो वहाँ पर अब रेनाल्डो अपनी गाड़ी की चाबी डोमनिक को देने लगता है और साथ ही में कहते है कि तुमने गाड़ी भी जीत ली और इसके साथ मेरा दिल भी जीत लिया। लेकिन तभी डोमनिक कहते है कि गाड़ी तुम रखो, बस तुम्हारी ये दिलेरी मेरे काम की है। और वो वहाँ से अपनी गाड़ी अम्पाला अपने छोटे भाई को गिफ्ट करके चला जाता है। वही पे हमें दिखाया जाता है कि लैटी और डोमनिक अपनी हनीमून की तैयारी कर रहे थे। वहीं अगले दिन जब वो मार्केट से सब्जी लेकर निकल रहा होता है, तब उसे दिखता है कि एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई है। और जब वो उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी हैकर होती है, जिसका नाम होता है साइफर। और तब साइफर उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर सकती हूँ। क्योंकि साइफर को पता था कि डोमनिक की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम था एलिना, उससे डोमनिक का एक बच्चा हुआ था। तो साइफर उसे कहती कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं एलिना और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगी। वहीं पर अब हम देखते हैं इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है हॉब्स। वो अपनी बेटी के फुटबॉल मैच के लिए अपने बेटे को जोश दिला रहा था, और वहीं पर एक गवर्नमेंट का आदमी आता है और उससे बताते कि कुछ लोगों की ईएमपी डिवाइस पर नजर है और तुम्हें उसको बचाना है। ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स की डिवाइस, जिससे कि एक ऐसी वेव निकलती है कि उसका एक वेव 4 से 6 मील तक के एरिया को सुन कर सकती है, यानी कि नो बिजली नो इलेक्ट्रिक डिवाइस। और तब जाके हॉब्स अपने टीम को कॉल लगा देता है और कहते हैं कि हमें ईएमपी को चोरी होने से रोकना होगा। और अब सारी की सारी टीम ईएमपी को अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे डोमनिक उनके साथ गद्दारी कर देता है, क्योंकि अब डोमनिक हाथ मिला चुका था साइफर के साथ, और इसी वजह से अब जेल हो जाती है हॉब्स को। और हॉब्स को बचाने के लिए वहाँ पे नोबडी एक चाल चलता है, जेल में काफी सारे गुंडों के दरवाजे खोल देता है, जिसकी वजह से हॉब्स निकल जाता है और वहीं पे शॉ भी निकल जाता है, जिसके बाद दोनों की एक फाइट होती है और फिर वहां से वो दोनों भाग जाते हैं। जिसके बाद हम डोमनिक को देखते हैं, और यहां पर हमें डोमनिक की एक्स बीवी भी दिखाई जाती है, जिसका नाम था एलिना, और उसके बच्चे को दिखाया जाता है, जिसका नाम उन्होंने रखा था मार्कस। जिसके बाद हम साइफर को देखते हैं, जो कि डोमनिक को कहती है कि अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे डिफेंस मिनिस्टर से न्यूक्लियर कोड्स ला के दो, ताकि मैं मिसाइल छोड़ सकूँ। मिसाइल्स इसलिए छोड़नी थी क्योंकि वो एक वन ऑफ द बेस्ट हैकर है, और वो बहुत सारी चोरियां करना चाहती थी, और उसको पुलिस ना रोक सके, जिसके लिए उसको खुद को सुपर स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहती थी, ताकि उसके रास्ते में कोई ना आए। और वहाँ पर मिस्टर नोबडी साइफर को रोकने के लिए टीम बना रहा था, जिसके लिए उसे डोमनिक की टीम चाहिए थी, लेकिन वो जानता था कि उनके खिलाफ अब डोमनिक खड़ा है, जिसके लिए उन्हें टीम में एक ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जो कि बिल्कुल डोमनिक की तरह सोचता हो। जिसके बाद वो इस टीम में शॉ को लेने का डिसाइड करते हैं, और जैसे ही हॉब शॉ को देखता है, जिसके बाद दोनों के दिमाग का भोपला हो जाता है, जिसके बाद दोनों कहते हैं कि हम दोनों काम नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। लेकिन दुनिया को बचाने के लिए दोनों को काम करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इधर हम देखते हैं डोमनिक को, वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी बच्चे पे कोई आ जाए, इसके लिए वो छुपके से मिलने जाता है शॉ की मम्मी से, क्योंकि वो जानता था कि शॉ की मम्मी एक बहुत बड़ी गुंडी है और वो इसकी इस काम में हेल्प कर सकती है। जिसके बाद हम डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं, जो कि अपने बुलेट प्रूफ कार में अपने हेडक्वार्टर्स में जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर साइफर अपनी हैकिंग स्किल से वहां पर रोड पर मौजूद 2 किलोमीटर की दूर में जितनी भी टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है सबको हैक कर लेती है, और उन सभी को हैक करके वो धड़ाधड़ मिनिस्टर के ऊपर ठोकने लगती है गाड़ी। उसके बाद में आता है डोमनिक अपने हाथ में एक चेन सॉ लेके उसे जान से मारने के लिए, वो उसको एक मौका भी देता है, और वही मौका पाके डिफेंस मिनिस्टर अपने सारे न्यूक्लियर कोर्स डोमनिक के हाथ में दे देता है। और यहाँ से डोमनिक लेके निकलता है सारे न्यूक्लियर कोर्स को, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए आ जाती है उसकी खुद की टीम। लेकिन डोमनिक तो डोमनिक है, वो सभी को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाता है। लेकिन अब इधर हम एक सीन देखते हैं, जिसमें सभी ने अपनी अपनी गाड़ी को डोमनिक की गाड़ी पे अपना फंदा मार दिया था, जिसकी वजह से अब वो इधर ना जा पा रहा था ना उधर जा पा रहा था। ये सीन बहुत ही सेक्सी डायरेक्ट किया गया था, और वल्ला सीच है, माँ कसम फाड़ू सीन था ये, जहाँ पे उसकी गाड़ी को खींचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं सब, लेकिन डोमनिक की गाड़ी में डोमनिक जैसा दम था, तो वो कैसे करके खुद को वहां से निकाल लेता है और फिर पहुंच जाता है साइफर के लोकेशन पे। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि साइफर ने उसको कहा था कि तुम्हें उसकी नजर से गायब नहीं होना, लेकिन उसे पता चल जाता है कि डोमनिक चुपके से साइफर की नजर से बच के वो जाके मिलता है शॉ की मम्मी से, और ये बात साइफर को पसंद नहीं आई। और अब दुख की बात ये होती है कि साइफर ने डोमनिक की पत्नी को टपका देती है, जिसको देख कर डोमनिक बहुत इमोशनल हो जाता है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि उसका बच्चा अभी भी उसके पास था।
वहीं दूसरी ओर अब डोमिनिक की टीम अब आ जाती है हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे नोबडी उन पे बहुत गुस्सा होता है और उनको बहुत सुनाता है, जिसके बाद उन्हें खोजबीन करते करते उन्हें पता चलता है कि अगला इंसिडेंट अब रशिया के वाल्डविन में होने वाला है। जैसा कि साइफर का प्लान है, एक तरफ तो डोमिनिक अपनी कार को मस्त रिपेयर करके आ जाता है रशिया के वाल्डविन में, वहीं पे उसका पीछा करते करते आ जाती है उसकी टीम, जहाँ पर हम देखते हैं कि डोमिनिक के पीछे लगा था ईएमपी डिवाइस, जिसे वो यूज करके 4-5 माइल्स तक एरिया को ठप कर सकता था, जिसके बाद वो उसका यूज करता है, जिससे कि वहाँ के जितने भी रशियन मशीन होती है उन सभी का चूतिया कट जाता है और सब बंद पड़ जाते हैं। और वहाँ से वो अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सबमरीन के नीचे आ जाता है, ताकि वो एक ईएमपी ब्लास्ट करेगा जिससे कि सबमरीन रिबूट होगा, और इधर साइफर को टाइम मिलेगा रशियन सर्वर को हैक करने के लिए और अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन मजा अब इधर ये आता है कि डोमिनिक की टीम साइफर के प्लान पर रशिया का ठंडा पानी डालने के लिए आ जाती है, जिसके बाद बहुत सारी फाइट्स, कार चेज, इंटेंस सीन्स दिखाई जाती है और सब एक आदमी के पीछे पड़े थे जो कि डोमिनिक, और इसने अपने दिमाग से सबका छक्का छुड़ा दिया था। जहां पर ट्विस्ट अब ये आता है कि डोमिनिक के टक्कर का दिमाग का एक और आदमी था जिसका नाम था डेकल शॉ, वो आ जाता है साइफर के प्लेन में अपने भाई के साथ जिसका नाम था ओविन शॉ, जहां पर मार्कस यानी कि डोमिनिक का बच्चा मौजूद था, जिसके बाद शॉ उस बच्चे को बचा के पूरे प्लेन के आदमियों को अच्छे से पेल पाल करके वहां से फुर हो जाता है, और इधर से साइफर भी भाग जाती है। और अब जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसके बच्चे को बचा लिया गया, तो वो अब अपनी टीम के साथ वापस रीयूनाइट हो जाता है, जिसके बाद अब ये समझ आता है कि साइफर की टीम के बच्चे से लगने वाली है, और अब दो दो टकले पेलने के फिराक में है साइफर की आर्मी को। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सबमरीन डोमिनिक की टीम के पीछे पड़ा था, और वो सबमरीन से उनके ऊपर एक हीट रेजर मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन डोमिनिक भैया अपने बिना बाल वाले टकले के अंदर जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करते हैं और उनकी मिसाइल को उनके ही पिछवाड़े में डाल देते हैं, जिससे कि होता है घंघोर ब्लास्ट और दुनिया इधर बच जाती है इतने बड़े मुसीबत से। और इधर अब ये टीम जो कि अलग हो गई थी इस कमीनी साइफर की वजह से, अब ये एक हो जाती है, जिसके बाद मूवी का दी एंड हो जाता है, जिसके बाद हम हैप्पी मोमेंट्स में देखते हैं कि सब अपने घर आ चुके थे और अब डोमिनिक का बच्चा भी उसके पास आ जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डोमिनिक और उसकी गर्लफ्रेंड लेटी। अब ये दोनों वहाँ से निकल रहे होते, तभी वहाँ पर इसके पास एक लड़की आती है और कहती कि तुम्हारा एक भाई है जिसे यहाँ का गुंडा छेड़ रहा है और वो उसकी गाड़ी उठा के लेके जाने वाला है। वहीं पे डोमिनिक अपने भाई को बचाने के लिए उस पूरे क्यूबा के बड़े गुंडे जिसका नाम होता है रेल्डो, उससे पंगा ले लेता है। और रेल्डो कहता है कि तेरे भाई ने मुझे जबान दी थी कि अगर वो रेस में हारेगा तो उसकी गाड़ी मेरी हो जाएगी, और अब वो ये रेस हार चुका है। तो डोमिनिक उसे कहता है कि इसमें लड़ने का क्या है, अगर तुझे लड़ना है तो तुम मुझसे लड़के दिखा। और फिर डोमिनिक अपनी खटारा गाड़ी के साथ में रेल्डो के साथ रेस लगाने को रेडी हो जाता है, जिसके पास मिसाइलिन की सबसे तेज गाड़ी थी। रेस को जीतने के लिए डोमिनिक अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है और ये रेस बहुत ही इंटेंस होती है। लेकिन तभी डोमिनिक की कार में आग लग जाती है, लेकिन डोमिनिक जो कि अच्छा ड्राइवर था तो उसने इस रेस को उस खटारे गाड़ी के साथ ही जीत लिया। और जैसे कि जबान दी थी रेल्डो ने कि रेस जो जीतेगा गाड़ी उसकी होगी, तो वहाँ पर अब रेल्डो अपनी गाड़ी की चाबी डोमिनिक को देने लगता है और साथ ही में कहता है कि तुमने गाड़ी भी जीत ली और उसके साथ मेरा दिल भी जीत लिया। लेकिन तभी डोमिनिक कहता है कि गाड़ी तुम रखो, बस तुम्हारी ये दिलेरी मेरे काम की है, और वो वहाँ से अपनी गाड़ी अम्पाला अपने छोटे भाई को गिफ्ट करके चला जाता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि लैटी और डोमिनिक अपनी हनीमून की तैयारी कर रहे थे। वहीं अगले दिन जब वो मार्केट से सब्जी लेकर निकल रहा होता है, तब उसे दिखता है कि एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई है, और जब वो उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हैकर होती है जिसका नाम होता है साइफर। और तब साइफर उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर सकती हूँ। क्योंकि साइफर को पता था कि डोमिनिक की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था एलिना, उससे डोमिनिक का एक बच्चा हुआ था। तो साइफर उसे कहते कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं एलिना और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगी। वहीं पर अब हम देखते हैं इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर को जिसका नाम होता है हॉब्स। वो अपनी बेटी के फुटबॉल मैच के लिए अपने बेटे को जोश दिला रहा था, और वहीं पर एक गवर्नमेंट का आदमी आता है और उससे बताते कि कुछ लोगों की ईएमपी डिवाइस पे नजर है और तुम्हें उसको बचाना है। ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स की डिवाइस, जिससे कि एक ऐसी वेव निकलती है कि उसका एक वेव 4 से 6 मील तक के एरिया को सुन कर सकती है, यानी कि नो बिजली नो इलेक्ट्रिक डिवाइस। और तब जाके हॉब्स अपने टीम को कॉल लगा देता है और कहते हैं कि हमें ईएमपी को चोरी होने से रोकना होगा। और अब सारी की सारी टीम ईएमपी को अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे डोमिनिक उनके साथ गद्दारी कर देता है, क्योंकि अब डोमिनिक हाथ मिला चुका था साइफर के साथ, और इसी वजह से अब जेल हो जाती है हॉब्स को। और हॉब्स को बचाने के लिए वहाँ पे नोबडी एक चाल चलता है,
जेल में काफी सारे गुंडों के दरवाजे खोल देता है, जिसकी वजह से हॉप्स निकल जाता है और वहीं पे शॉ भी निकल जाता है, जिसके बाद दोनों की एक फाइट होती है और फिर वहां से वो दोनों भाग जाते हैं। जिसके बाद हम डोमिनिक को देखते हैं और यहाँ पर हमें डोमिनिक की एक्स बीवी भी दिखाई जाती है जिसका नाम था एलिना, और उसके बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम उन्होंने रखा था मार्कस। जिसके बाद हम साइफर को देखते हैं जो कि डोमिनिक को कहती है कि अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे डिफेंस मिनिस्टर से न्यूक्लियर कोर्स ला के दो ताकि मैं मिसाइल छोड़ सकूँ। मिसाइल इसलिए छोड़नी थी क्योंकि वो एक वन ऑफ द बेस्ट हैकर है और वो बहुत सारी चोरियाँ करना चाहती थी और उसको पुलिस ना रोक सके, जिसके लिए उसको खुद को सुपर स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहती थी ताकि उसके रास्ते में कोई ना आए। और वहाँ पर मिस्टर नोबडी साइफर को रोकने के लिए टीम बना रहा था जिसके लिए उसे डोमिनिक की टीम चाहिए थी, लेकिन वो जानता था कि उनके खिलाफ अब डोमिनिक खड़ा है, जिसके लिए उन्हें टीम में एक ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जो कि बिल्कुल डोमिनिक की तरह सोचता हो। जिसके बाद वो इस टीम में शॉ को लेने का डिसाइड करते हैं और जैसे ही हॉप शॉ को देखता है जिसके बाद दोनों के दिमाग का भोपला हो जाता है, जिसके बाद दोनों कहते हैं कि हम दोनों काम नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए दोनों को काम करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इधर हम देखते हैं डोमिनिक को, वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी बच्चे पे कोई आ जाए, इसके लिए वो छुपके से मिलने जाता है शॉ की मम्मी से, क्योंकि वो जानता था कि शॉ की मम्मी एक बहुत बड़ी गुंडी है और वो इसके इस काम में हेल्प कर सकती है। जिसके बाद हम डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं जो कि अपने बुलेट प्रूफ कार में अपने हेडक्वार्टर्स में जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर साइफर अपनी हैकिंग स्किल से वहां पर रोड पर मौजूद 2 किलोमीटर की दूर में जितनी भी टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है सबको हैक कर लेती है और उन सभी को हैक करके वो धड़ाधड़ मिनिस्टर के ऊपर ठोकने लगती है गाड़ी। उसके बाद में आता है डोमिनिक अपने हाथ में एक चेन सॉ लेके उसे जान से मारने के लिए, वो उसको एक मौका भी देता है और वही मौका पाके डिफेंस मिनिस्टर अपने सारे न्यूक्लियर कोर्स डोमिनिक के हाथ में दे देता है और यहाँ से डोमिनिक लेके निकलता है सारे न्यूक्लियर कोर्स को, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए आ जाती है उसकी खुद की टीम। लेकिन डोमिनिक तो डोमिनिक है, वो सभी को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाता है, लेकिन अब इधर हम एक सीन देखते हैं जिसमें सभी ने अपनी अपनी गाड़ी को डोमिनिक की गाड़ी पे अपना फंदा मार दिया था, जिसकी वजह से अब वो इधर ना जा पा रहा था ना उधर जा पा रहा था। ये सीन बहुत ही सेक्सी डायरेक्ट किया गया था और वल्ला सीच है, माँ कसम फाड़ू सीन था ये, जहाँ पे उसकी गाड़ी को खींचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं सब, लेकिन डोमिनिक की गाड़ी में डोमिनिक जैसा दम था तो वो कैसे करके खुद को वहां से निकाल लेता है और फिर पहुंच जाता है साइफर के लोकेशन पे। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि साइफर ने उसको कहा था कि तुम्हें उसकी नजर से गायब नहीं होना, लेकिन उसे पता चल जाता है कि डोमिनिक चुपके से साइफर की नजर से बच के वो जाके मिलता है शॉ की मम्मी से और ये बात साइफर को पसंद नहीं आई। और अब दुख की बात ये होती है कि साइफर ने डोमिनिक की पत्नी को टपका देती है, जिसको देख कर डोमिनिक बहुत इमोशनल हो जाता है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था लेकिन वो मजबूर था क्योंकि उसका बच्चा अभी भी उसके पास था। वहीं दूसरी ओर अब डोमिनिक की टीम अब आ जाती है हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे नोबडी उन पे बहुत गुस्सा होता है और उनको बहुत सुनाता है, जिसके बाद उन्हें खोजबीन करते करते उन्हें पता चलता है कि अगला इंसिडेंट अब रशिया के वाल्डविन में होने वाला है। जैसा कि साइफर का प्लान है, एक तरफ तो डोमिनिक अपनी कार को मस्त रिपेयर करके आ जाता है रशिया के वाल्डविन में, वहीं पे उसका पीछा करते करते आ जाती है उसकी टीम, जहां पर हम देखते कि डोमिनिक के पीछे लगा था ईएमपी डिवाइस जिसे वो यूज करके 4-5 माइल्स तक एरिया को ठप कर सकता था, जिसके बाद उसका यूज करता है जिससे कि वहाँ के जितने भी रशियन मशीन्स होती है उन सभी का चूतिया कट जाता है और सब बंद पड़ जाते हैं। और वहाँ से वो अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सबमरीन के नीचे आ जाता है ताकि वो एक ईएमपी ब्लास्ट करेगा जिससे कि सबमरीन रिबूट होगा और इधर साइफर को टाइम मिलेगा रशियन सर्वर को हैक करने के लिए और अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन मजा अब इधर ये आता है कि डोमिनिक की टीम साइफर के प्लान पर रशिया का ठंडा पानी डालने के लिए आ जाती है, जिसके बाद बहुत सारी फाइट्स कार चेज इंटेंस सीन्स दिखाई जाती है और सब एक आदमी के पीछे पड़े थे जो कि डोमिनिक, और इसने अपने दिमाग से सबका छक्का छुड़ा दिया था। जहां पर ट्विस्ट अब ये आता है कि डोमिनिक के टक्कर का दिमाग का एक और आदमी था जिसका नाम था डेकन शॉ, वो आ जाता है साइफर के प्लेन में अपने भाई के साथ जिसका नाम था ओविन शॉ, जहाँ पर मार्कस यानी कि डोमिनिक का बच्चा मौजूद था, जिसके बाद शॉ उस बच्चे को बचा के पूरे प्लेन के आदमियों को अच्छे से पेल पाल करके वहाँ से फुर हो जाता है और इधर से साइफर भी भाग जाते हैं। और अब जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसके बच्चे को बचा लिया गया तो वो अब अपनी टीम के साथ वापस रीयूनाइट हो जाता है, जिसके बाद अब ये समझ आता है कि साइफर की टीम के अब अच्छे से लगने वाली है और अब दो दो टकले पेलने के फिराक में है साइफर की आर्मी को। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सबमरीन डोमिनिक की टीम के पीछे पड़ा था और वो सबमरीन से उनके ऊपर एक हीट रेजर मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन डोमिनिक भैया अपने बिना बाल वाले टकले के अंदर जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करते हैं और उनकी मिसाइल को उनके ही पिछवाड़े में डाल देते हैं, जिससे कि होता है घंघोर ब्लास्ट और दुनिया इधर बच जाती है इतने बड़े मुसीबत से। और इधर अब ये टीम जो कि अलग हो गई थी इस कमीनी साइफर की वजह से कि अब ये एक हो जाती है, जिसके बाद मूवी का दी एंड हो जाता है, जिसके बाद हम हैप्पी मोमेंट्स में देखते हैं कि सब अपने घर आ चुके थे और अब डोमिनिक का बच्चा भी उसके पास आ जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा में,
जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डोमिनिक और उसकी गर्लफ्रेंड लेटी। अब ये दोनों वहाँ से निकल रहे होते तभी वहाँ पर इसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि तुम्हारा एक भाई है जिसे यहाँ का गुंडा छेड़ रहा है और वो उसकी गाड़ी उठा के लेके जाने वाला है। वहीं पे डोमिनिक अपने भाई को बचाने के लिए उस पूरे क्यूबा के बड़े गुंडे जिसका नाम होता है रेल्डो उससे पंगा ले लेता है। और रेल्डो कहता है कि तेरे भाई ने मुझे जबान दी थी कि अगर वो रेस में हारेगा तो उसकी गाड़ी मेरी हो जाएगी, और अब वो ये रेस हार चुका है। तो डोमिनिक उसे कहता है कि इसमें लड़ने का क्या है, अगर तुझे लड़ना है तो तुम मुझसे लड़के दिखा। और फिर डोमिनिक अपनी खटारा गाड़ी के साथ में रेल्डो के साथ रेस लगाने को रेडी हो जाता है, जिसके पास मिसाइल इनकी सबसे तेज गाड़ी थी। रेस को जीतने के लिए डोमिनिक अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है और ये रेस बहुत ही इंटेंस होती है। लेकिन तभी डोमिनिक की कार में आग लग जाती है, लेकिन डोमिनिक जो कि अच्छा ड्राइवर था तो उसने इस रेस को उस खटारे गाड़ी के साथ ही जीत लिया। और जैसे कि जबान दी थी रेल्डो ने कि रेस जो जीतेगा गाड़ी उसकी होगी, तो वहाँ पर अब रेल्डो अपनी गाड़ी की चाबी डोमिनिक को देने लगता है और साथ ही में कहता है कि तुमने गाड़ी भी जीत ली और उसके साथ मेरा दिल भी जीत लिया। लेकिन तभी डोमिनिक कहता है कि गाड़ी तुम रखो, बस तुम्हारी ये दिलेरी मेरे काम की है। और वो वहाँ से अपनी गाड़ी अम्पाला अपने छोटे भाई को गिफ्ट करके चला जाता है। वही भी हमें दिखाया जाता है कि लैटी और डोमिनिक अपनी हनीमून की तैयारी कर रहे थे। वहीं अगले दिन जब वो मार्केट से सब्जी लेकर निकल रहा होता है तब उसे दिखता है कि एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई है। और जब वो उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हैकर होती है जिसका नाम होता है साइफर। और तब साइफर उसे कहते कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर सकती हूँ। क्योंकि साइफर को पता था कि डोमिनिक की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था एलिना, उससे डोमिनिक का एक बच्चा हुआ था। तो साइफर उसे कहती कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं एलिना और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगी। वहीं पर अब हम देखते हैं इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर को जिसका नाम होता है हॉब्स। वो अपनी बेटी के फुटबॉल मैच के लिए अपने बेटे को जोश दिला रहा था और वहीं पर एक गवर्नमेंट का आदमी आता है और उससे बताते कि कुछ लोगों की ईएमपी डिवाइस पे नजर है और तुम्हें उसको बचाना है। ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स की डिवाइस, जिससे कि एक ऐसी वेव निकलती है कि उसका एक वेव 4 से 6 मील तक के एरिया को सुन कर सकती है, यानी कि नो बिजली नो इलेक्ट्रिक डिवाइस। और तब जाके हॉब्स अपने टीम को कॉल लगा देता है और कहते हैं कि हमें ईएमपी को चोरी होने से रोकना होगा। और अब सारी की सारी टीम ईएमपी को अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे डोमिनिक उनके साथ गद्दारी कर देता है क्योंकि अब डोमिनिक हाथ मिला चुका था साइफर के साथ और इसी वजह से अब जेल हो जाती है हॉब्स को। और हॉब्स को बचाने के लिए वहाँ पे नोबडी एक चाल चलता है, जेल में काफ़ी सारे गुंडों के दरवाजे खोल देता है जिसकी वजह से हॉब्स निकल जाता है और वहीं पे शॉ भी निकल जाता है, जिसके बाद दोनों की एक फाइट होती है और फिर वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। जिसके बाद हम डोमिनिक को देखते हैं और यहाँ पर हमें डोमिनिक की एक्स बीवी भी दिखाई जाती है जिसका नाम था एलिना, और उसके बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम उन्होंने रखा था मार्कस। जिसके बाद हम साइफर को देखते हैं जो कि डोमिनिक को कहती है कि अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे डिफेंस मिनिस्टर से न्यूक्लियर कोड्स ला के दो ताकि मैं मिसाइल छोड़ सकूँ। मिसाइल्स इसलिए छोड़नी थी क्योंकि वो एक वन ऑफ द बेस्ट हैकर है और वो बहुत सारी चोरियां करना चाहती थी और उसको पुलिस ना रोक सके, जिसके लिए उसको खुद को सुपर स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहती थी ताकि उसके रास्ते में कोई ना आए। और वहाँ पर मिस्टर नोबडी साइफर को रोकने के लिए टीम बना रहा था जिसके लिए उसे डोमिनिक की टीम चाहिए थी, लेकिन वो जानता था कि उनके खिलाफ अब डोमिनिक खड़ा है, जिसके लिए उन्हें टीम में एक ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जो कि बिल्कुल डोमिनिक की तरह सोचता हो। जिसके बाद वो इस टीम में शॉ को लेने का डिसाइड करते हैं और जैसे ही हॉब शॉ को देखता है जिसके बाद दोनों के दिमाग का भोपला हो जाता है, जिसके बाद दोनों कहते हैं कि हम दोनों काम नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए दोनों को काम करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इधर हम देखते हैं डोमिनिक को, वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी बच्चे पे कोई आ जाए, इसके लिए वो छुपके से मिलने जाता है शॉ की मम्मी से क्योंकि वो जानता था कि शॉ की मम्मी एक बहुत बड़ी गुंडी है और वो इसके इस काम में हेल्प कर सकती है। जिसके बाद हम डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं जो कि अपने बुलेट प्रूफ कार में अपने हेडक्वार्टर्स में जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर साइफर अपनी हैकिंग स्किल से वहाँ पर रोड पर मौजूद 2 किलोमीटर की दूर में जितनी भी टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है सबको हैक कर लेती है और उन सभी को हैक करके वो धड़ाधड़ मिनिस्टर के ऊपर ठोकने लगती है गाड़ी। उसके बाद में आता है डोमिनिक अपने हाथ में एक चेन सॉ लेके उसे जान से मारने के लिए, वो उसको एक मौका भी देता है और वही मौका पाके डिफेंस मिनिस्टर अपने सारे न्यूक्लियर कोर्स डोमिनिक के हाथ में दे देता है और यहाँ से डोमिनिक लेके निकलता है सारे न्यूक्लियर कोर्स को, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए आ जाती है उसकी खुद की टीम। लेकिन डोमिनिक तो डोमिनिक है, वो सभी को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाता है। लेकिन अब इधर हम एक सीन देखते हैं जिसमें सभी ने अपनी अपनी गाड़ी को डोमिनिक की गाड़ी पे अपना फंदा मार दिया था, जिसकी वजह से अब वो इधर ना जा पा रहा था ना उधर जा पा रहा था। ये सीन बहुत ही सेक्सी डायरेक्ट किया गया था और वल्ला सीन है, माँ कसम फाड़ू सीन था ये,
जहाँ पे उसकी गाड़ी को खींचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं सब। लेकिन डोमिनिक की गाड़ी में डोमिनिक जैसा दम था, तो वो कैसे करके खुद को वहाँ से निकाल लेता है और फिर पहुँच जाता है साइफर के लोकेशन पे। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि साइफर ने उसको कहा था कि तुम्हें उसकी नज़र से गायब नहीं होना, लेकिन उसे पता चल जाता है कि डोमिनिक चुपके से साइफर की नज़र से बच के वो जाके मिलता है शॉ की मम्मी से, और ये बात साइफर को पसंद नहीं आई। और अब दुख की बात ये होती है कि साइफर ने डोमिनिक की पत्नी को टपका देती है, जिसको देख कर डोमिनिक बहुत इमोशनल हो जाता है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, लेकिन वो अब मजबूर था क्योंकि उसका बच्चा अभी भी उसके पास था। वहीं दूसरी ओर अब डोमिनिक की टीम अब आ जाती है हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे नोबडी उन पे बहुत गुस्सा होता है और उनको बहुत सुनाता है, जिसके बाद उन्हें खोजबीन करते करते उन्हें पता चलता है कि अगला इंसिडेंट अब रशिया के वाल्डविन में होने वाला है। जैसा कि साइफर का प्लान है, एक तरफ तो डोमिनिक अपनी कार को मस्त रिपेयर करके आ जाता है रशिया के वाल्डविन में, वहीं पे उसका पीछा करते करते आ जाती है उसकी टीम, जहाँ पर हम देखते हैं कि डोमिनिक के पीछे लगा था ईएमपी डिवाइस, जिसे वो यूज करके 4-5 माइल्स तक एरिया को ठप कर सकता था, जिसके बाद वो उसका यूज करता है, जिससे कि वहाँ के जितने भी रशियन मशीन होती है उन सभी का चूतिया कट जाता है और सब बंद पड़ जाते हैं। और वहाँ से वो अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सबमरीन के नीचे आ जाता है, ताकि वो एक ईएमपी ब्लास्ट करेगा जिससे कि सबमरीन रिबूट होगा, और इधर साइफर को टाइम मिलेगा रशियन सर्वर को हैक करने के लिए और अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन मजा अब इधर ये आता है कि डोमिनिक की टीम साइफर के प्लान पर रशिया का ठंडा पानी डालने के लिए आ जाती है, जिसके बाद बहुत सारी फाइट्स, कार चेज, इंटेंस सीन्स दिखाई जाती है, और सब एक आदमी के पीछे पड़ते हैं जो कि डोमिनिक, और इसने अपने दिमाग से सबका छक्का छुड़ा दिया था। जहाँ पर ट्विस्ट अब ये आता है कि डोमिनिक के टक्कर का दिमाग का एक और आदमी था, जिसका नाम था डेकन शॉ। वो आ जाता है साइफर के प्लेन में अपने भाई के साथ, जिसका नाम था ओविन शॉ, जहाँ पर मार्कस यानी कि डोमिनिक का बच्चा मौजूद था, जिसके बाद शॉ उस बच्चे को बचा के पूरे प्लेन के आदमियों को अच्छे से पेल पाल करके वहाँ से फुर हो जाता है, और इधर से साइफर भी भाग जाती है। और अब जब डोमिनिक को पता चलता है कि उसके बच्चे को बचा लिया गया, तो वो अब अपनी टीम के साथ वापस रीयूनाइट हो जाता है, जिसके बाद अब ये समझ आता है कि साइफर की टीम के अब अच्छे से लगने वाली है, और अब दो दो टकले पेलने के फिराक में है साइफर की आर्मी को। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सबमरीन डोमिनिक की टीम के पीछे पड़ा था, और वो सबमरीन से उनके ऊपर एक हीट रेजर मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन डोमिनिक भैया अपने बिना बाल वाले टकले के अंदर जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करते हैं और उनकी मिसाइल को उनके ही पिछवाड़े में डाल देते हैं, जिससे कि होता है घंघोर ब्लास्ट और दुनिया इधर बच जाती है इतने बड़े मुसीबत से। और इधर अब ये टीम जो कि अलग हो गई थी इस कमीनी साइफर की वजह से, अब ये एक हो जाती है, जिसके बाद मूवी का दी एंड हो जाता है, जिसके बाद हम हैप्पी मोमेंट्स में देखते हैं कि सब अपने घर आ चुके थे और अब डोमिनिक का बच्चा भी उसके पास आ जाता है।